हिंदुतेज विटा आपने फील्डिंग लगा लीजिए जल्द से जल्द. दोनों अंपायर मैदान की ओर जा रहे हैं. हिंदुतेज विटा अपने तो हिंदुतेज वॉरियर्स विटा के खिलाड़ी मैदान की ओर बढ़ते हुए. बड़ा मुकाबला दोनों टीमों के लिए. एक तरफ है चैलेंजर्स ग्रुप भिलवड़ी और दूसरी तरफ है हिंदुतेज वॉरियर्स विटा. तो अब सलामी बल्लेबाज भी मैदान की ओर बढ़ेंगे. चैलेंजर्स को देखना है कि कौन सलामी के लिए आता है. एक तरफ सौरभ हो गए, दूसरी तरफ देखना होगा. पिछले मुकाबले में कुछ अलग रणनीति अपनाई थी, शायद वही रणनीति कायम रखेगी दीपक दादा, क्योंकि विनिंग ट्रैक पे बदलना नहीं चाहेगी वो. शायद एक बार फिर सचिन साठे और सौरभ गुरव देखने को मिलेंगे. दोनों अंपायर मैदान में पहुंच चुके. एक तरफ सचिन सांगेकर, दूसरी तरफ विशाल नाइक. अब सलामी बल्लेबाज भी तैयार है. हिंदुतेज के सभी खिलाड़ी अब मैदान में पहुंच चुके हैं. एक बार फिर वही सलामी जोड़ी मैदान की ओर बढ़ती हुई. एक तरफ है सौरभ गुरव, दूसरी तरफ सचिन साठे. ये दो सलामी बल्लेबाज स्कोरर के रूप में काम करते हुए इनकाउंटर स्पोर्ट्स के कप्तान हमारे साथ है स्वप्निल पुजारी. हिंदुतेज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. पिछले मुकाबले में भी टॉस जीता था, पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. एक बार फिर वही कुछ करते हुए काम. पिछला इनका मुकाबला बहुत ही बढ़िया रहा था, आखिरी गेंद पर मुकाबला जीता था और चैलेंजर्स ने 10 रनों से मुकाबला जीत लिया था पिछला. तो ये टीमें अब भिड़ रही एक दूसरे के साथ. एक बड़ा मुकाबला ये, एलिमिनेटर का मुकाबला है. यहाँ से जो जीतेगा वो जाएगा क्वालिफाई टू में और जो हारेगा वो अब घर जाएगा. आखिरी मुकाबला है आज के दिन का. तो अब फील्डिंग भी लगा रहे कप्तान. एक बड़ा मुकाबला, टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, याद होगा आपको. हिंदुतेज वॉरियर्स विटा के कप्तान सूरज भोटकर ने. एक बार फिर दोनों सलामी बल्लेबाज तैयार है. स्ट्राइकर एंड पे हो गए सौरभ गुरव और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे बल्लेबाज सचिन साठे. ये दो सलामी बल्लेबाज है फिलहाल चैलेंजर्स ग्रुप भिलवड़ी के लिए. सौरभ की बात की जाए तो पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच रहे थे, 51 रन बनाए थे उस मुकाबले में. ऑल सेट, पहली गेंद डाली जाने वाली है सचिन पवार गेंदबाजी के लिए. उनके सामने हो गए सौरभ गुरव. एलिमिनेटर के मुकाबले की पहली गेंद सचिन, उनके सामने सौरभ. और थोड़ा सा वहां पर अब देखिए अंपायर आज के इस मुकाबले के एक तरफ सचिन सांगेकर जो कि मेन अंपायर है और विशाल नाइक जो कि लेग अंपायर की भूमिका में आज के इस मुकाबले के एमसीए के दोनों अंपायर. और गेंदबाजी के लिए सचिन जिन्होंने पिछले मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन किया था गेंद के साथ अपने टीम के लिए. फिलहाल उनकी पहली गेंद स्ट्राइकर एंड पे बल्लेबाज है सौरभ गुरव. हियर गोस विशा फर्स्ट बॉल ऑफ दिस एलिमिनेटर मैच. पहली गेंद पे बढ़िया शॉट, छक्के के साथ शुरुआत हुई है एलिमिनेटर की. शानदार बल्लेबाजी सौरभ द्वारा, कमाल का शॉट था ये. ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी गेंद और खींच के वहां पर स्क्वायर लेके ऊपर से खेल दिया 6 रनों के लिए. पिछले मुकाबले में कुछ इसी तरीके की गेंदबाजी हुई थी वहां पर सचिन से, लेकिन इस बार बल्लेबाजों की रणनीति कुछ अलग है. ऑफ स्टंप के बाहर गए और उसके बाद बहुत ही शानदार शॉट खेला. अगली गेंद इस बार रिवर्स का टैप. एक बार फिर गैप में, एक बार फिर गेंद जा रही बॉर्डर के बाहर. एक और चौका लगता हुआ, ताबड़तोड़ शुरुआत चैलेंजर्स के लिए.
बार फिर जाएगी जरूर होने की बार एक बार फिर तैयार है सचिन, बहुत ही महंगा साबित हो रहा है अब तक ये ओवर। सचिन का 10 रन आ चुके, 2 गेंदों में शानदार शुरुआत हो चुकी है। अब चैलेंजर्स ग्रुप भिलवड़ी और सौरभ गुरव के लिए अगली गेंद। वो एक बार फिर वही शॉट खेलने का प्रयास किया था, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, इस बार संपर्क नहीं, गेंद सीधा फील्डर के हाथ में जाते हुए संजय कदम वहां पर तैनात। फ्लाइंग स्लिप में खिलाड़ी, एक खिलाड़ी लगभग लेग स्लिप जैसा खड़ा है। पावर प्ले चल रहा है फिलहाल, दो खिलाड़ी जो कि बाउंड्री लाइन के ऊपर है, एक मिड ऑफ पे और एक मिड विकेट के पास, ये दो खिलाड़ी है फिलहाल सर्कल के बाहर गेंदबाजी के लिए। एक बार फिर सचिन तैयार, 10 रन आ चुके 3 गेंदों के बाद। अगली गेंद और इस बार हवा में गेंद, खिलाड़ी है वहां पर, क्या पकड़ पाएंगे? जी नहीं, कैच छूटा और थोड़ा सा वहां पर दिल टूटा, ऐसा मामला हुआ है। 2 रन मिलते हुए अगली गेंद, और रन के साथ और हो चुका है 12 रन। खिलाड़ी है वहां पर, क्या पकड़ पाएंगे? जी नहीं, क्या 4 गेंदों के बाद 12 रन हो चुके हैं। अब चैलेंजर्स ग्रुप भिलवड़ी के शानदार शुरुआत ये। अगली गेंद एक बार फिर गेंदबाज सचिन तैयार है, थोड़ा सा महंगा ओवर साबित हो रहा है अब तक ये हिंदुतेज वॉरियर्स के लिए। 12 रन 4 गेंदों में और सौरभ कमाल की नए में नजर आ रहे। अगली गेंद और इस बार थोड़ी सी लेफ्ट साइड की तरफ से गेंद खेलने में असफल रहे। डॉट बॉल, डॉट बॉल के साथ अब देखिए 5 गेंदे हो चुके पहले ओवर के, अभी भी 12 रन बने हुए, तो अच्छी शुरुआत हुई है चैलेंजर्स के लिए। आखिरी गेंद फिलहाल पहले ओवर का सचिन गेंदबाजी के लिए, उनके सामने सौरभ। आखिरी गेंद इस पहले ओवर का, बड़ा मुकाबला, एलिमिनेटर का मुकाबला। और एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, थोड़ी सी मिसफील्ड और लंबी चेस है वहां पर फील्डर प्रदीप के लिए, मिसफील्ड और गेंद बॉर्नर के बाहर। 4 रन मिलते हुए खराब फील्डिंग का प्रदर्शन। और 16 रन बचे हैं ओवर के बाद, शुरुआत हुई चैलेंजर्स के लिए, शानदार शुरुआत। सचिन का महंगा ओवर रहा पहला, बार देखना है कि दूसरे छोर से गेंदबाजी के लिए कौन आता है, क्योंकि पावर प्ले का ओवर है और फायदा उठाना। खराब फील्डिंग वहां पर वैभव की, इसी वजह से अब देखिए थोड़ा सा उनका पोजीशन बदल रहे वहां पर कप्तान। एक ओवर के बाद 16 रन बन चुके हैं, बस 16 विदाउट लॉस ऑफ द फर्स्ट ओवर। नाउ संजय खदम मोबाइल बॉल, द लास्ट ओवर ऑफ पावर प्ले, पावर प्ले का आखिरी ओवर और गेंदबाजी के लिए आते हुए संजय कदम स्ट्राइकर इनटू बल्लेबाज है अब सचिन साठे, एक नए ओपनर चैलेंजर्स के लिए। पिछले मुकाबले में प्रयोग किया था तब खासा कुछ सफल नहीं हो पाए थे, क्या इस मुकाबले में उस असफलता को भूलकर नई शुरुआत करेंगे सचिन साठे? देखना होगा। स्ट्राइकर एंड पे फिलहाल सचिन, अगली गेंद पहली गेंद संजय की, सचिन के लिए। और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, डॉट बॉल के साथ शुरुआत होती हुई दूसरी ओवर की, बहुत ही बढ़िया गेंद थी संजय कदम की, पट्टे के बाद थोड़ी सी आउटस्विंग और आउटस्विंग हुई और गेंद सीधा विकेट कीपर अक्षय थोरात के हाथों में। डॉट बॉल के साथ दूसरी ओवर की शुरुआत, एक बार फिर गेंदबाज संजय तैयार, उनके सामने बल्लेबाज है सचिन साठे। अगली गेंद और इस बार फुल टॉस, गैप में ढकेला वहां पर, पीछे डीप में खिलाड़ी तैनात है प्रदीप, थोड़ी सी मिसफील्ड और एक रन वहां पर मुश्किल होना चाहिए था, वहां पर 2 रन मिलते हुए शानदार रनिंग बिटवीन विकेट्स और खराब फील्डिंग का प्रदर्शन प्रदीप से। उम्मीद नहीं होती इस खिलाड़ी से कि ये गेंद छोड़ देगा, लेकिन आज 2 बार उनके पास गेंद गई थी, 2 एक बार बाउंड्री लाइन के पार और इस बार सिंगल का कन्वर्जन डबल में होता हुआ। एक बार फिर सचिन स्ट्राइक पर, अगली गेंद संजय की और इस बार बढ़िया शॉट, लेकिन डीप में खिलाड़ी तैनात है सूरज बोटकर, मात्र 1 रन मिलता हुआ, 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर हो चुका है 19 रन 19 विदाउट लॉस आफ्टर 1.3 ओवर्स। द सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस नाउ फॉर हिंदुतेज वॉरियर्स विद द लास्ट 3 बॉल्स रिमेनिंग इन द पावर प्ले। दो खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर है अब पावर प्ले के आखिरी 3 गेंद, स्ट्राइक पर अब सौरभ जो कि एक खतरनाक मोड में नजर आ रहे हैं। अब अगली गेंद और इस बार बढ़िया गेंद, सफल किया था लेकिन अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए संजय कदम अपने एक्सपीरियंस का फायदा उठा रहे अब। और इस ओवर की बात की जाए तो अच्छी ओवर रही अब तक, 4 गेंदों में मात्र 3 रन दिए संजय ने, जो पहला ओवर थोड़ा सा महंगा रहा था उसका थोड़ी सी भरपाई करने में कामयाब रहे अब तक। अगली गेंद
इस बार बड़ा शॉट, हवा में काफी ऊपर गई है गेंद, खिलाड़ी है वहां पर, क्या पकड़ पाएंगे? जी हाँ, शानदार कैच प्रदीप का, पहला झटका लगता हुआ चैलेंज है उसको, बड़ा विकेट गया यहाँ पर सौरभ के रूप में। खिलाड़ी है वहां पर, क्या पकड़ पाएंगे? जी हाँ, शानदार कैच प्रदीप का, पहला झटका लगता हुआ चैलेंज है। शुक्रिया डीजे। देखिए दूसरा ओवर चल रहा है, पांच गेंदे हो चुके, ओवर के स्कोर हो चुका है अब कुल 19 रन, 19 फॉर आफ्टर 1.5 ओवर्स। ब्रिलियंट बॉलिंग परफॉर्मेंस इन दिस ओवर फ्रॉम संजय कदम, जस्ट 3 रन्स एंड अ विकेट इन फर्स्ट 5 बॉल्स ऑफ दिस ओवर, लास्ट बॉल रिमेनिंग इन द पावर प्ले, संजय कदम एंड नाउ न्यू मैन इन हिम्मत गौरव, promoted to batting order at number 3, हिम्मत गौरव, he will be on strike against Sachin on strike, last ball of the second over and last ball of the power play. Sanjay Kadam to Sachin Sathe. Sachin is playing on 3 in 3 balls. Saurav played a good inning of 16. This time a play and a miss. End of the second over. It's power play. It's over. 2 overs gone. It's 19 for one after 2. Challengers Bhilavadi. Good start for Hindutej Warriors Vita. They got a wicket up for Saurav Guru. The big fish has caught from Sanjay Kadam. दोरों के बाद 19 रन हो चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर। संजय ने पिछले ओवर में वहां पर सौरभ गौरव को आउट कर दिया, 19 पे एक है दोरों के बाद। दोरों के बाद 19 रन गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज सचिन, स्ट्राइकर एंड पे अब हिम्मत गुरु, पहला गेंद खेलेंगे अपना हिम्मत गेंदबाजी के लिए अब है सचिन। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, फुल टॉस थी, एक रन मिलता हुआ, एक रन के साथ अपना खाता खोला हिम्मत ने। अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, फ्रंट फुट पे खेलने का प्रयास होता है उनका, इसी वजह से सक्सेसफुल रहे अब तक इस टूर्नामेंट में। जहां तक प्रशांत सर बात करते हैं पिछले 3-4 जिलों से यही चर्चा कर रहे हैं कि जो बल्लेबाज फ्रंट फुट पे खेलते हैं वो हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं, खासकर सीमेंट विकेट पर, और हिम्मत ने वो कला है, पहली गेंद से आगे आकर खेलने का प्रयास रहता है उनका। लखन सकट जैसे बहुत सारे नाम है, संग्राम शिंदे हो, लखन सकट, हिम्मत, संजय कदम, ऐसे बड़े नाम है जो आगे आकर खेलना पसंद करते हैं। अगली गेंद, और इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर ब्लॉक में डाली हुई गेंद, एक रन और मिलता हुआ। और ये देखिए, ये फर्क है दोनों बल्लेबाजों ने बल्लेबाजों में, सचिन साठे देखिए डीप जाते हैं क्रीज के अंदर, और हिम्मत देखिए आगे आकर खेलते, और इसी वजह से अब तक हिम्मत सक्सेसफुल रहे इस टूर्नामेंट में। अगली गेंद एक बार फिर सचिन तैयार, दो गेंदों में दो रन आ चुके हैं, पहले अच्छी शुरुआत हुई है तीसरे ओवर की, पहला ओवर थोड़ा सा महंगा रहा था सचिन का, 16 रन दिए थे दूसरे ओवर की अच्छी शुरुआत, दो गेंदों में अब तक दो रन आ चुके हैं। अगली गेंद, और इस बार लेग स्टंप के बाहर मिस फील्ड और गेंद जा रही बाउंड्री की तरफ, 4 रनों के लिए, दो गेंदे आ चुका डाली लेकिन उसके बाद खराब गेंद दिए। चार रनों के लिए दो गेंदें अच्छी थी, उसके बाद एक खराब गेंद और उसका फायदा उठाते हुए थोड़ी सी मिसफील्ड भी हुई, हालांकि वहां पर सोमनाथ थे फील्डर, 4 रन मिलते हुए। सोमनाथ की बात की जाए तो पिछले मुकाबले में एक कैच छोड़ा था वहां पर सुधीर का, लेकिन वो मुकाबला जीता था, अब 4 रन छोड़े, अंत में बहुत पछतावा होता है ऐसे रनों का, पिछले मुकाबले में भी हमने देखा। अगली गेंद, और एक बार फिर खराब गेंद, लेग स्टंप के बाहर जा रहे, पहले दो गेंदे अच्छी थी उसके बाद खराब लाइन पकड़ ली वहां पर सचिन ने, एक बार चौका और इस बार फायर आता हुआ एक्स्ट्रा के रूप में, एक और रन मिलता हुआ, एक रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर हो चुका है कुल 26 रन 26 विद लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 2.3 ओवर्स। एक बार फिर गेंदबाज सचिन तैयार, उनके सामने अब हिम्मत, अगली गेंद सचिन की हिम्मत के लिए, चौथी गेंद इस ओवर की,
और इस बार हल्के हाथों से खेला। ये देखिए ये खास बात है, उनके आगे आकर खेलना पसंद करते हैं। एक रन मिला हो लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ता है बल्लेबाज का ऐसे शॉट खेलकर। देखिए बल्ले के बीचों बीच खेलना पसंद करते हैं और गेंद को आखिर तक देखते हैं, सबसे बड़ी बात है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मुझे लग रहा है वो पहले तीन पर ही होने चाहिए, क्योंकि पिछले मैच में वो चौथे पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। देखिए ये जब खेलते हैं तो कॉम्पैक्ट लगते हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए लगते हैं, तो ये अच्छे संकेत है। सचिन साठे थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। बिल्कुल अगली गेंद सचिन के, और एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, प्लान मिस विकेट कीपर के दस्तानों में, एक और डॉट बॉल। देखिए प्रवीण इसी गेंद को जो हिम्मत है वो ऑफ साइड पर खेलते, इसी गेंद को एक बल्लेबाज साठे वो ऑन साइड पर खेलते, ये फर्क है। देखिए मिनट के हिसाब से बल्लेबाजी साठे द्वारा नहीं हो रही। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है बोली अभी प्रशांत सर ने, और वो करना होगा आपको, बड़े मंच पर आप खड़े हैं ये टीम है। अगली गेंद, और इस बार देखिए स्लो बॉल था, एक रन भी नहीं मिला, डॉट बॉल, डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई, तीन ओवरों के बाद रन संख्या हो चुकी है अब कुल 27 रन, 27 आफ्टर 3 ओवर्स विथ लॉस ऑफ वन विकेट। चैलेंजर स्पोर्ट्स भिलवड़ी हिंदुतेज वॉरियर्स विटा वर्ड टॉस एंड इलेक्टेड बॉल फर्स्ट, दे स्टार्टेड वेल नाउ जस्ट 27 रन एंड अ विकेट ऑफ सौरभ गौरव इन फर्स्ट 3 ओवर्स एंड नाउ संजय खदम इनटू द अटैक बॉल द नेक्स्ट ओवर। He bowls first over, his first over quite brilliantly, just 3 runs and a wicket of Sourav in his first over. Sanjay Kadam to Himmat, first ball of 4th over. First bowl. This time a played with the soft hand, there is a fielder, just a single run, batsmen are rotating strike and now a score moves on 28 with loss of 1 wicket, 4th over is in progress. Sathe on strike now, he's struggling, a little bit of struggle for Sachin Sathe. Next ball, Sanjay to Sathe. This time he shuffles towards the offside, there is a fielder and just a single run. They are just rotating a strike and quite brilliant bowling performance from Sanjay Kadam so far in this inning. Just 5 runs so far in 1.2 overs and a wicket of Sourav Gurav. So very good bowling from Sanjay. It's a great bowling by all the bowlers, particularly that's Sanjay Todman. So another ball pitching out of the off-stump, playing by the straight bat, triple three by long off reason, the straight to the fielders and again the single. So magnificent bowling by all the bowlers. Superb. देखिए एक रन और मिलता हुआ, एक रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर हो चुका है कुल 30 रन, एक विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद संजय उनके सामने अब साठे, और एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, एक रन और मिलता हुआ, एक रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर हो चुका है 31 रन। चौथा ओवर चल रहा है फिलहाल, पहले ओवर में देखिए 16 रन आए थे, उसके बाद लगाम लगाया है। संजय कदम का ओवर बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि उसमें विकेट मिला था सौरभ गुरव को और मात्र 3 रन दिए थे, उसके बाद सचिन ने 8 दिए और उस अब ये भी ओवर संजय का 4 रन दिए मात्र 4 गेंदों में, तो अच्छी गेंदबाजी हुई है। उसके बाद प्रवीण देखिए जब तकनीक नहीं होती है तो तकलीफ होती है, अगर आपकी तकनीक अच्छी होती है तो सामने वाले को तकलीफ होती है, तो वही बात है। साठे ने बहुत स्ट्रगल किया है, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, एक बार फिर पड़ गया, गेंदबाजी का मुजाहिरा, शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, तारीफ करनी होगी गेंदबाजी की, कमाल की गेंदबाजी, खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दे रहे। रन संख्या कुल मिलाकर अब जो कि 32 रन, इस ओवर की अगर बात करें तो अब आखिरी गेंद बहुत महत्वपूर्ण गेंद है, अच्छा स्पेल रहा है संजय कदम का। बिल्कुल आखिरी गेंद संजय कदम उनके सामने, अब सचिन साठे, और इस बार बड़ा शॉट, आखिरी गेंद पर लगी और 6 रन मिलते हुए सचिन साठे को, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस छक्के के साथ। कुल मिलाकर 38 रन, और इस वक्त अगर देखें तो साठे धीरे धीरे लय प्राप्त करते हुए, लेकिन 4 ओवर का समाप्त, 24 गेंदों में 38 बने हैं, और यहां से अब कितना आगे जाएंगे देखने वाली बात है। हिम्मत थोड़ा डटकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, रुककर बल्लेबाजी कर रही है, अच्छे संकेत हैं। बीच मैदान पर पानी भी जा रहा है, दोनों हमारे अंपायर कमाल का काम कर रहे हैं। मैंने पहले कहा कि 4-5 दिन पहले विशाल नायक पूरी तरह से फिट नहीं थे, लेकिन यह मैच बहुत महत्वपूर्ण था, यह सीरीज बहुत महत्वपूर्ण थी जीपीएल की, इसलिए थोड़ा एक दिन रेस्ट लेके वो सीधा यहाँ इस मैदान पर आए हैं।
तो प्रशांत बाबर और उनकी पूरी टीम की तरफ से विशाल नाइक में आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। सचिन सांगेकर की अगर बात करें तो एक अपकमिंग अंपायर है, पिछले दो तीन सालों में इनकी भी अच्छी अंपायरिंग रही है। तो चलिए मैच की तरफ रुक करते हैं, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, गेंदबाजी करेंगे अक्षय और सामना करेंगे हिम्मत गुराव। हिम्मत की अगर बात करें तो अभी तक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की है। टॉस गेंद एक बार फिर देखे गेंद तेजी के साथ बाउंड्री की तरफ जाती है, स्क्वायर लेग की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, एक रन का इजाफा होता बाप। पहले ओवर में 16 रन बनते हैं और उसके बाद में देखे एक बार फिर यहां क्या खतरा होगा और इसी के साथ सचिन साटे वापस जाते हुए 39 रन 2 विकेट के नुकसान। तुम्ही बोलवला मी ये गणेश 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 दर्शकों का खिलाड़ियों का स्वागत है। पृथ्वीराज स्पोर्ट द्वारा एक बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट है गार्डी प्रीमियर लीग 2018 एंड 2019 में आपका स्वागत है। आमदार चषक 2019 और इस वक्त अगर देखे तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी गेंदबाजों द्वारा ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे और प्रवीण पहले ओवर में 16 बने थे, उसके बाद में पूरी तरह से बांध कर रखा गेंदबाजों ने, अच्छी गेंदबाजी की, कमाल की गेंदबाजी। फील्डिंग देखे अब गली की तरफ खिलाड़ी एक फ्लाइंग स्लिप एक पॉइंट एक एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी एक लॉन्ग ऑफ ऑफ साइड पर चार अब पांच खिलाड़ी तैनात ऑफ टंप के बाहर जाके ऑन साइड पर खेलने की कोशिश, गेंद अच्छी तरह से बल्ले पर नहीं आ रही है, सुंदर गेंदबाजी कर रहे हैं लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। देखिए भिलवड़ी के पास दो विकल्प थे, अगर वो सैंडी को भी ऊपर भेज सकते थे, बहुत अच्छे खिलाड़ी है फॉर्म में, दादा खुद ऊपर आ सकते थे, बहुत सारे विकल्प थे लेकिन साठे को भेजा गया। लेकिन वो एक बार फिर देखिए वो जो प्रयोग किया गया था उसका कुछ फायदा पहले मैच में भी नहीं हुआ, इस मैच में भी नहीं हुआ है। 40 रन लगभग देखिए दोनों मैचों का इनका स्टार्ट उसी तरह का, 38-40 रन बनाते हैं, उसके बाद में पांचवें ओवर के बाद गेयर चेंज करते हैं। जैसे कि पांचवें ओवर में जो कि पिछले मैच में भी इन्होंने बहुत सारे रन बनाए थे, पहली गेंद गेंदबाज की है, वेरी गुड बॉलिंग फ्रॉम अक्षय लेफ्ट हैंडर बैट्समैन बीच मैदान पर। अब दादा पाटिल दीपक दादा बीच मैदान पर है, फ्लाइंग स्लिप एक गली एक पॉइंट एक एक्स्ट्रा कवर एक लॉन्ग खराब शॉट सब फ्रंट विकेट डेली पाउडर अगेन पिचिंग आउट ऑफ द स्टंप बैट्समैन लुकिंग फॉर द बिग शॉट टुवर्ड द डीप मिड विकेट रीजन beating completely ball going behind the wicket wicketkeeper doing very good job behind the wicket and there is no possibility of runs so magnificent bowling that's a fantastic bowling by the bowler Now score 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, सामने हिम्मत है तो आपको सिंगल ही लेना है, तो एक बार फिर दो बहुत ही बढ़िया गेंदें आई है, चतुराई के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, ऑफ टंप के बाहर फुल लेंथ गेंद, एक बार फिर गेंद को खेलना चाहते थे, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद पल्ले पर नहीं आई, गेंद विकेट कीपर के दस्तर में जाती हुई, शानदार गेंदबाजी। तीसरी गेंद इस ओवर की, यह भी गेंद जल्दी विकेट कीपर के दस्तान में, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार तीन बिंदी गेंद आई है। पहले ओवर में स्टार्ट 16 का था, उसके बाद में गेंदबाजों का कमाल जारी है, जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन, खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे, एक टिप्पी पे गेंदबाजी कर रहे हैं, स्मार्ट बॉलिंग बाय द बॉलर्स। नेक्स्ट बॉल, ये चौथी गेंद है इस ओवर की, ये सिंगल आया है लेकिन तब तक चार गेंदें चली गई हैं, तीन गेंदों के ऊपर आगे वाली गेंद थी, दीपक दादा ने इस तीन गेंदों के ऊपर बड़े शॉट खेलने का प्रयास किया था, स्ट्राइकर एंड पर दीपक दादा रहेंगे। ओवर की अगर बात करते बहुत ही कामयाब ओवर समाप्त होता हुआ, 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक ब्रेक लेते, ब्रेक के साथ वापस आते, चर्चा जारी रहेगी, कम ऑन डीजे।
वेलकम बैक एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। पांच ओवर का खेल समाप्त, पांच ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर अब 41 रन दो विकेट के नुकसान पर। बल्ला चेंज कर रहे हैं इस वक्त जो कि बल्लेबाज, शानदार गेंदबाजी अक्षय द्वारा, कमाल की गेंदबाजी, तारीफ करनी होगी पहले संदीप की जिन्होंने बहुत अच्छा जो कि प्रदर्शन किया गेंदबाज के तौर पर। ये दो ओवर देखिए जो कि संजय के कदम के पहले ओवर में नपितुली गेंदबाजी हुई थी, केवल तीन रन खर्च किए थे, उसके बाद में संजय कदम एक बार फिर आए चौथी ओवर के लिए, इन्होंने एक बार फिर 11 रन खर्च किए थे। तो ये अक्षय का ओवर बहुत कामयाब है, सफल ओवर है जिसमें इनको विकेट भी मिला और कमाल की गेंदबाजी, विकेट उनके लिए नहीं जाएगा, रनआउट के रूप में विकेट है, लेकिन तीन ही रन दिए हैं, कंजूसी बड़ी गेंदबाजी की है। सो वेरी गुड बॉलिंग बाय अक्षय, अक्षय एंड संजय कदम, चेंज इन बॉलिंग। पांच ओवर में 30 गेंदों में केवल 41 रन बने हैं। तो पिछले दो ओवर, दो मुकाबले हमने देखे, दो मुकाबले में स्कोर 80 के ऊपर चला गया था, तीन ओवर है, 18 गेंदे हैं, गेंदबाजी करने के लिए अब गेंदबाज आए। सोमनाथ सोमा की अगर बात करें तो यह भी एक अच्छे गेंदबाज है, पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था। थर्ड बैट गली है, पॉइंट है, कवर पर खिलाड़ी मौजूद, लॉन्ग पर, लॉन्ग आउट पर खिलाड़ी मौजूद, एक मिड विकेट पर खिलाड़ी, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, एक फाइन लेग है, ऑन साइड पर चार खिलाड़ी है। थोड़ा मोमेंटम को बनाने की जरूरत होगी इस मैच में, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। ओपनर के बाहर बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को खेला गया, एक बार फिर झुके गए, इससे कवर की तरफ जाते हुए एक रन का इजाफा। राउंड ऑफ एक्शन से गेंदबाजी करते हैं जैसे कि केदार जाधव जो कि भारत के लिए गेंदबाजी खास करके ओडीआई में करते, उसी तरह से राउंड ऑफ एक्शन से मलिंगा भी गेंदबाजी करते, लेकिन बहुत लंबे रनअप के साथ, ये छोटे रनअप के साथ कर रहे हैं, केदार जाधव को कॉपी करने का प्रयास। अब देखिए इस मैच में अगर जान डालनी है तो हिम्मत को एक स्पेशल इनिंग खेलनी होगी, वेरी वेरी स्पेशल इनिंग, क्योंकि पांचवा ओवर भी एक बार फिर गेंदबाजों की तरफ जाता हुआ। अच्छा शॉट, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है, क्या इस बार रोक पाएंगे, देखने वाली बात है। तेजी के साथ गेंद जाते हुए एक रन मिलता हुआ, रन बनाने के लिए जूझना पड़ रहा है, संघर्ष जारी है। जल सम्राट आमदार अनिल भाऊ बाबर, इनके जन्मदिन के अवसर पर यह टूर्नामेंट, बहुत खूबसूरत टूर्नामेंट है। सो वेरी गुड बॉलिंग, इस बार उड़ाया तारा मंडल में, अपने गेंद है, खिलाड़ी मौजूद और इसी के साथ सूरत के हाथ में गेंद आती हुई, तीसरे विकेट का पतन, डाटा निफान कप्तान के लिए शानदार गेंद। सोमनाथ को बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था और करना भी था क्योंकि थोड़ा सा दबाव बन रहा था, उतारने की कोशिश की और गेंद वहां पर, अच्छा कैच पकड़ा सूरज बोटकर ने, थोड़ा सा क्या ज्यादा था जिस तरह से अगर देखे तो, क्योंकि दो तीन गेंदे डॉट आई थी प्रवीण और उसके बाद में प्रेशर को रिलीज तो करना था, लेकिन लो फुल टॉप थोड़ी सी ऑफ टर्न के बाहर थी, लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलने का प्रयास किया, बल्ले के बीचों बीच नहीं आई है। तो इसी के साथ अब 43 रन दो विकेट के नुकसान पर, कितनी गेंदे, अब तीन विकेट गिरे और इस वक्त अगर देखे तो गेंदे कितनी बची हुई है इस ओवर की, ये भी देखना बहुत जरूरी है। अगली गेंद गेंदबाज सोमनाथ के, उनके सामने अब नए बल्लेबाज आते हुए संदीप मोटकट्टे, फिलहाल स्ट्राइकर एंड पे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, एक बहुत ही शानदार बल्लेबाज है, बड़े शॉट खेलने में माहिर, अब तक इस टूर्नामेंट में दिखाया उन्होंने बड़े शॉट खेलकर। अगली गेंद सोमनाथ के, और एक बार फिर फुल टॉस थी लेकिन फायदा नहीं उठा पाए, ऑफ स्टंप के बाहर की फुल टॉस थी, इसी वजह से बच गए वहां पर सोमनाथ। और ये गेंद अच्छी होती है गेंदबाज के लिए क्योंकि ऑफ स्टंप के बाहर अगर आप फुल टॉस डालते हो तो बल्लेबाज को गेंद के मेरिट के अनुसार खेलना होता है, लेकिन चैलेंजर्स के बल्लेबाजों की बात की जाए तो वो लेग साइड की तरफ खेलने को देख रहे हैं। इस बार गलत गेंद और उसका पूरा फायदा उठाते हुए गेंद बैटरी बाउंड लाइन के बाहर, छह रनों के लिए शानदार शॉट ये और खराब गेंदबाजी। हिम्मत गुराव बहुत ही कंसिस्टेंट रहे हैं तो थोड़ा इनको थोड़ा ऊपर लेके आ सकते थे। राइट राउंड विकेट, ये भी उड़ाया तारा मंडल पे, खराब शॉट है, स्क्वायर लेग की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, क्या कैच होगा देखने वाली बात है, क्या तो नहीं होगा, दूसरे के लिए भागेंगे। दो रन मुकम्मल किए, पैड पर गेंद थी, ऑन साइड पर फ्लिक करने का प्रयास किया था लेकिन अच्छी तरह से इस गेंद को नहीं खेल पाए, लीडिंग एज लगा था, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, तारीफ करने की गेंदबाजों की,
बहुत बढ़िया। ओवर की अगर बात करते तो 6 ओवर का समाप्त है, ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 51 रन। क्या प्रवीण 12 गेंदों में यहां से और 30 रन बनेंगे? अगर 30 बनते हैं तो एक बार फिर बैटल जारी रहेगा, बैंक बैलेंस बनेगा, कुशन बनेगा। अगर ये 30 नहीं बनते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत तकलीफी होने वाली है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आते हैं, चर्चा जारी रहेगी, गुप्तगु जारी रहेगा। अब गेंदबाजी के लिए आते हुए अक्षय थोरात, आपने बात की कि 30 रन क्या बनेंगे, मुश्किल है इनके लिए क्योंकि अक्षय थोरात की ये 6 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण होगी। पहली गेंद अक्षय के सामने, हिम्मत। देखिए हर्षल सावंत को भी हमने देखा था, हर्षल सावंत के एक ओवर में जो कि इन्होंने 20-25-36 रन भी 36 भी रन आए थे, तो ऐसा नहीं कि इनके इनके खिलाफ नहीं आ सकते, हो सकता है। दोनों चीजें आपने सही कहा कि करना आसान नहीं है, करना इतना जो कि आसान नहीं होगा, लेकिन देखिए क्रिकेट में कुछ भी संभव है। अक्षय भी चल सकते हैं या हिम्मत भी चल सकते हैं, लेकिन चलना बहुत जरूरी है। पहली गेंद बढ़िया शॉट है, गैप में ढकेला, गेंद जारी बाउंड्री के लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। पहली गेंद पे चौका मिलता हुआ, पहली गेंद हिम्मत की, दूसरी किसकी की देखना बहुत जरूरी है। यहाँ से थोड़ा जो 11 गेंदों का काउंट डाउन शुरू होगा, अब एक बार फिर वो बैटल होगा। रन एक बल्लेबाज रनों के लिए जाएंगे, गेंदबाज विकेट के लिए जाएंगे, अब 55 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इनके एक बार फिर जो जहन में है वो 30-35 रन बल्लेबाजों के, और गेंदबाजों की तरफ मैं जाऊंगा 15-20 इनके लिए बहुत काफी है, तो ये यहां बैटल बनेगा। एक बार फिर अक्षय तैयार, उनके सामने हिम्मत। पहले गेंद पर 4 रन आए, अब दूसरा गेंद देखना होगा कि किस तरीके से डालते हैं और किस तरीके से खेलते हैं हिम्मत। सफल होकर उड़ाने का प्रयास था लेकिन संपर्क अच्छा नहीं, फील्डर है वहां पर वसीम, उनकी अच्छी फील्डिंग, मात्र 1 रन मिलता हुआ, 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर हो चुका है 56 रन 56 विद लॉस ऑफ 3 विकेट्स आफ्टर 6.2 ओवर, जस्ट 10 बॉल्स रिमेनिंग द फर्स्ट इनिंग्स ऑफ दिस एलिमिनेटर मैच। And that's a very good kick back by the bowler. That's just pitching out of the off stump and fastball looking for that sweep shot. So very good delivery, effective delivery from the bowler. Yes, of course. Now Akshay Thorat, Sandeep on strike. A little bit of field changes for Sandeep, the left-hand batsman for Challengers. Inform man for Challengers. Now 3 fielders in the deep in the leg side and just 2 on the offside, 1 on mid-off and 1 on extra cover. लेफ्ट एंड राइट एंड कॉम्बिनेशन जो है, क्या इस बार फायदा होगा भिलवड़ी को या एक बार फिर उसी रिदम के साथ गेंदबाजी होगी, ये देखना बहुत जरूरी। इस ओवर की अगली गेंद, ये ऑन साइड पर अभाव खेल दिया, खिलाड़ी मौजूद है लेकिन ऊपर से जाती भी, शानदार कैच सूरज का। पहली गेंद जो कि बल्लेबाज की, दूसरी एक बार फिर गेंदबाज की, तीसरी भी गेंदबाज की है, अक्षय थोरात कमाल कर रहे हैं। दो चीजें हो सकती है, हमने हर्षल सावंत की बात करी, 36 रन भी आए थे, तो दूसरी बात है इनके पास वो कला है कि 6 गेंदों में 2 भी नहीं दे सकते, तो ये है, लेकिन बैटल बनेगा हिम्मत गुरव और अक्षय थोरात, ये बड़े मंच के बड़े सरपंच है, यहां मजा आएगा। सैंडी भी फॉर्म में है लेकिन इनका जादू भी नहीं चला, तो ये भिलवड़ी के लिए खतरे की घंटी है। बिल्कुल, अब नए बल्लेबाज फिलहाल सचिन सर मैदान की ओर बढ़ते हुए फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग है, स्ट्राइक पे हिम्मत गुरव जिनके ऊपर सबकी निगाह है इन आखिरी 9 गेंदों में, और उनके भी यही कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक उनके पास रखे इन आखिरी 9 गेंदों में। सेट बल्लेबाज है उनके टीम के लिए, बड़े शॉट खेलने में अब नहीं कतराएंगे क्योंकि मात्र 9 गेंदें शेष है। बिल्कुल, एक बार फिर वो चर्चा करेंगे गेंदबाजी करने के लिए, गेंदबाज तक राइट टॉप और द विकेट, ये बुलडॉग गेंद, अच्छा शॉट, जब तक हिम्मत है तब तक मेरे हिसाब से इस मैच में रन बनते रहेंगे, 4 या 6 रन आते हुए गेंदबाज ने दिया मौका, बल्लेबाज ने कर दिया शानदार छक्का। जो कि शॉट बनाया है बहुत खूबसूरती के साथ बनाया गया, और ये अच्छा शॉट था, गुड नॉट एक तमाशा देख वाला मैच, बीच मैदान पर अच्छा शॉट देखा है बल्लेबाज द्वारा। रन संख्या कुल मिलाकर अब 62।
सातवां ओवर प्रगति पर। इस ओवर की बात करें, पहली गेंद पर चौका, दूसरी पर सिंगल, एक बार फिर उसके बाद में विकेट, एक बार फिर छक्का, तब अभी तक 11 रन करके है गेंदबाज है। बिल्कुल, और हिम्मत की बात की जाए, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी, बिजी प्लेयर है, हर गेंद पर रन चाहते हैं वो अगली गेंद। और एक बार फिर बड़ा शॉट खेलेगा प्रयास, इस बार संपर्क उतना अच्छा नहीं, फील्डर है वहां पर, एक रन पूरा किया दूसरे की कोशिश, लेकिन एक ही रन मिलेगा। एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है बिल्कुल 63, और आखिरी गेंद अभी विशेष है इस ओवर की। लेकिन तकलीफ भी वही है, सैंडी को इतना पीछे क्यों भेजा गया, बहुत सारे सवाल है इस पारी में, और पहले ओवर में 16 बने थे, तो आप अभी अगर देखें तो आपका स्कोर है 63 विकेट के नुकसान पर, तो लगभग वो 90 के ऊपर जो कि पार जाना चाहिए था। इसका मतलब गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है। राइट अप ओवर द विकेट, खराब शॉट है, भागने की कोशिश करेंगे नहीं करेंगे, भागने की कोई कोशिश नहीं है, रन भी नहीं बनाए, तो इसका मतलब हिम्मत आखिरी ओवर में बल्लेबाजी करेंगे। एक एंड पर चौहान सर को भागना होगा, क्या एक बार फिर जो सातवें आठवें नंबर पर बल्लेबाजी होती है तब जाकर उसी तरह के बल्लेबाजी होगी, उसी तरह की बल्लेबाजी करेंगे, या एक बार फिर हर गेंद के ऊपर हमला करके बड़े बड़े शॉट खेलेंगे, क्या रन भी बनाएंगे या स्ट्राइक रोटेट करेंगे। बहुत सारी चीजें, मेरे हिसाब से स्ट्राइक रोटेट नहीं करेंगे, लेकिन एक बार फिर देखिए रन संख्या कुल मिलाकर अब जो कि 63 रन, सात गेंदे, सात गेंदों में सात बनते तो 70, यहां से और 10 बनते तो जाएंगे 6 गेंदों में जीतने, 6 रन, अगर 6 गेंदों में 6 गेंद बनते, 6 रन बनते तो कम से कम 70 की तरफ जाने का मौका मिलेगा, और 6 गेंदे हैं तो यहां से कम से कम 15-20 बनते तो 80 की तरफ जाने का मौका मिलेगा। तो बस वर्णानी उजड़ेल पाट उन्ना होने नाही हिंदुर्दय सम्राट, एक ब्रेक नंतर पर देते हैं। थैंक यू डीजे। गेंदबाजी के लिए अब सूरज बोटकर आते हुए उनके सामने बल्लेबाज है वह हिम्मत गुरु, 6 गेंदे शेष है, लास्ट 6 बॉल्स रिमेनिंग इन फर्स्ट बॉल। पहली गेंद, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था वहां पर, डीप में खिलाड़ी तैनात है, एक रन आसानी से मिलेगा, और गलत थ्रो है, 2 रन मिलते हुए, अच्छे रनिंग में 2 विकेट्स, और थोड़ी सी खराब फील्डिंग, फील्डिंग अच्छी की थी लेकिन थ्रो बहुत ही गलत था वहां पर वसीम का, और इसी वजह से नाखुश है वहां पर सूरज और सचिन। 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 65 रन 65। इसीलिए मैंने कहा था कि क्या अब कैसे खेलेंगे, मतलब सिंगल डबल के ऊपर जाएंगे, क्या एक बार फिर वो चमान को ज्यादा मौका देंगे या खुद ज्यादा बल्लेबाजी करेंगे, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करते उसी तरह की बल्लेबाजी अब करनी होगी। सूरत एक बहुत अच्छे गेंदबाज है इस प्रतियोगिता में, फॉर्म में, तो मजा आएगा जिस तरह से मुकाबला, एक कॉन्टेस्ट, एक बार फिर सूरत वर्सेस हिम्मत एक बैटल बनेगा। बिल्कुल बैटल बनेगा, 5 गेंदे शेष है, निर्णायक 5 गेंदे इस मुकाबले के, थोड़ा सा वह फील्ड में बदलाव हो रहा है वहां पर, सूरज बोर्ड का जो खुद कप्तान है, गेंदबाज है इस टीम के, आखिरी ओवर डालने के लिए आए हैं, मात्र 5 गेंदे शेष है, 65 रन बन चुके हैं 65 आफ्टर 7.1 ओवर, जस्ट 5 बॉल्स ड्यूरिंग द फर्स्ट इनिंग ऑफ दिस एलिमिनेटर मैच, बिग एनकाउंटर फॉर बोथ टीम्स, फॉर चैलेंजर्स एंड हिंदुतेज वॉरियर्स विटा। और देखिए अब फील्ड में और बदलाव होता हुआ, खिलाड़ी को वहां पर पीछे भेज रहे हैं कप्तान सूरज बोटकर, जो कि गेंदबाजी भी कर रहे हैं, मात्र 5 गेंदे शेष है, देखना है कि 5 गेंदों में क्या 15-20 रन बना पाएंगे हिम्मत और उनके साथ जो चौहान सर है, फिलहाल स्ट्राइकर इन पे हिम्मत। अगली गेंद, एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज, राइट ओवर द विकेट, ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, गैप पे जाते भी 4 रन मिलेंगे हिम्मत को, कीमत मिलती हुई 4 रन मिलेंगे, मिलेंगे ना 4 तो मेरा होगा पार, बहुत खूबसूरत शॉट। स्कोर वॉज ऑन 69, 4 गेंदे हैं, 4 गेंदे इस मैच में बहुत कीमती है दोनों के लिए, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बल्लेबाज के लिए, दोनों के लिए बहुत बेशकीमती है, क्या इसका सही उपयोग होगा, क्या सही तरह से गेंदबाजी होगी, क्या सही तरह से इस बार बल्लेबाज इस 4 गेंदों का इस्तेमाल करेगा, देखने वाली बात है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर बीच मैदान पर है, और गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर सूरज तैयार, इस ओवर की अगली गेंद, राइट अप फॉर द विकेट, ये हवा में खेल दिया, शानदार शॉट है, वाह भाई वाह, पंख लगा के भेज दिया, गेंद बॉडी लाइन के बाहर 6 रनों में जाती है।
विराट कोहली का नंबर है, रिकी पॉन्टी का नंबर है, राहुल द्रविड़ का नंबर है, अच्छी बल्लेबाजी 75 पर अब स्कोर जाता था 4 विकेट के नुकसान पर। साठे को जो भेजा गया था उसका खामियाजा मेरे हिसाब से भुगतना पड़ा है बिलवड़ी को। अब जाकर ये जो गाड़ी है थोड़ी पटरी पर आती हुई बिलवड़ी की टीम की। इस बार हवा में क्या क्या चौका देखने वाली बात है। इसी के साथ हिम्मत का विकेट मिलता हुआ इस मैच में अब गेंदबाज वापस आते हुए। प्रवीण जी क्या कहेंगे, जिस तरह से हिम्मत ने तो मेरे हिसाब से अपना काम कर दिया है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन अकेले बल्लेबाज खेल के बात नहीं बनती। हिम्मत गौरव वापस जाते हुए रन संख्या कुल मिलाकर अब 5 विकेट के नुकसान पर 75 रन। नए बल्लेबाज सलीम बीच मैदान पर, बहुत अच्छे खिलाड़ी है लेकिन इनको ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला है। एक लंडे वाले खिलाड़ी, मैदान के अंदर जब जब जाते तो फील्डिंग करते हैं, गेंदबाजी भी बहुत बढ़िया करते हैं। आज गेंदबाजी करने का मौका जिनको ज्यादा नहीं मिला है, लेकिन वो एक ऐसे खिलाड़ी है जो लंडा जानते हैं। 75 रन बन चुके और हिम्मत की पारी की सराहना करनी होगी। 36 रन बनाया लगे लेकिन एक भी डॉट गेंद नहीं खेली उस पारी में। अगली गेंद और इस बार बढ़िया गेंद, एक रन कम से कम मिलेगा। वहां पर फील्डर तैनात अक्षय, अच्छी फील्डिंग, एक रन मिलेगा। एक रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ, रन आउट भी हो गया वहां पर बल्लेबाज। खराब सोचिए, एक और झटका लगता हुआ चैलेंज है उसको। तो बीच मैदान पर क्या हो रहा था, चार सर और सलीम ऐसा लग रहा था कोई डांस कर रहे थे, आगे पीछे बहुत कुछ हो रहा था, बहुत ही खराब रनिंग विद द विकेट। डांस इंडियन डांस से क्रिकेट में खेल नहीं होगा, मैच नहीं बनेगा। इस तानाजी जंगम को मौका मिला है बीच मैदान पर अब बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन एक ही गेंद का सामना करना है, ज्यादा इनके पास कोई विकल्प नहीं है। तो घर में टीवी सेट होना चाहिए, सोफा सेट भी होना चाहिए, और मैदान के अंदर आप जाते हैं तो आपका माइंड सेट होना चाहिए। आपके पास कोई विकल्प नहीं है, एक गेंद में मैक्सिमम देना है। गेंदबाज के लिए वही बात है, एक गेंद है, आपको अच्छा फिनिश करना है। अभी तक बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी सूरज द्वारा। स्लॉग ओवर में गेंदबाजी करना एक कला होती है, वो कला मैं सूरज के पास देख रहा हूं, अच्छी गेंदबाजी की है। अब आखिरी गेंद है फिलहाल पहले पारी की, और अच्छी गेंद, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, एक रन कम से कम मिलेगा। दूसरे रन का प्रयास, एक बार फिर थ्रो सही एंड पर और एक और विकेट मिलता हुआ आखिरी गेंद पर। तो इसी के साथ ये पहली पारी समाप्त होती हुई, एक रन मिला इस आखिरी गेंद पर। शुक्रिया डीजे, पहली पारी की समाप्ति हो चुकी है। पहली पारी के बाद अब 77 रन बन चुके, तो 78 रनों का टार्गेट है। 78 रन इन टू विन दिस मैच फॉर हिंदुतेज वॉरियर्स। देखना बहुत जरूरी है। बिलवड़ी की टीम की अगर बात करें तो बहुत बढ़िया तरीके से वो लड़ती है। देखते बल्लेबाजों की बच्चों प्रदर्शन किस तरह से हुआ है। बिल्कुल एक अच्छा मैच फिलहाल अगर देखे तो पहली पारी समाप्त होती भी। जबरदस्त क्रिकेट देखेंगे क्योंकि पिछले मैच में 86 रनों की जरूरत थी, तब जाकर भिलोड़ी ने कमाल की गेंदबाजी की थी। खास करके दो गेंदबाज हिम्मत और सैंडी, इनका रोल बहुत बड़ा रहेगा। और एक तरफ हिंदुतेज की अगर बात करें तो संजय कदम क्या एक बार फिर बड़ा किरदार अदा करेंगे, देखने वाली बात है। दोनों हमारे ऑफिशियल धीरे धीरे जो कि एक बार फिर कम बॉक्स की तरफ आ रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आते हैं, चर्चा जारी रहेगी, गुप्तगुप्त जारी रहेगा। तो अभी जो मुकाबला हम देख रहे हैं चैलेंजर भिलवड़ी और हिंदुतेज के बीच, भिलवड़ी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अब 6 विकेट के नुकसान पर रन बनाए हैं 77, और जीतने के लिए 78 रनों की जरूरत है। टारगेट लक्ष्य की अगर बात करें तो 78 रनों की जरूरत है। अभी भी अगर देखें तो मुकाबला बीच मैदान पर जारी नहीं है, लेकिन एक
एक मराठी गाना, बहुत ही खूबसूरत मराठी गाना लेके आएंगे. एक सुंदर असं मराठी गाणं मी तुमच्यासाठी घेऊन येतोय आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचं एक छान गाणं तुमच्यासाठी असेल. यशवंत कीर्तिवंत भाग्यवंत वरदावंत पुण्यवंत नीतिवंत जनतेचा राजा छत्रपती शिवाजी महाराज. गर्भ आहे शेतूर गुलालाचा, गर्भ आहे त्या बेदुंद तुतारीचा, गर्भ आहे विटू मावलीचा, गर्भ आहे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी निर्माण केलेल्या स्वराज्याचा. छत्रपती शिवाजी महाराजांना पुन्हा एकदा त्रिवार अभिवादन करून आपण दुसऱ्या बाजूला पुन्हा एकदा दुसरी इनिंग बघूया. अत्यंत महत्वाची लढत आहे. जरी नसेल बंगला गाडी 3 कोटीचा, माझ्या गावा एक झोपडी राहू दे आणि त्या झोपडीमध्ये शिवाचा एक फोटो राहू दे. छत्रपती शिवाजी महाराजांना त्रिवार अभिवादन. झाले बहू होतील बहू परंतु या समा, अरे शिवबा लढला म्हणून हा महाराष्ट्र घडला. आज इतिहास घडवायचा असेल तर पुन्हा एकदा मैदानात मावळ्यांना लढावं लागेल, संघर्ष करावा लागेल, तरच हा सामना देखील या ठिकाणी फलंदाज जिंकू शकतात. तितक्याच ताकदीनं भिलवडीचा संघ देखील मैदानात उतरलाय, त्यांना सुद्धा लढावं लागेल. निश्चितच हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी शेवटच्या सत्रामध्ये सांगितलं होतं, आता रडायचं नाही तर आता लढायचं आहे. लढण्यासाठी आता दोन्ही बाजूने मावळे तयार झालेले. चला आपण मॅच करतो. मॅच जिंकण्यासाठी 78 धावांची आवश्यकता. जीतने के लिए अब 78 रनों की जरूरत है. अभी जो मुकाबला चल रहा है चैलेंजर बिलौड़ी और हिंदुतेज विटा के बीच, एक बहुत ही अच्छा संघर्ष हम देख रहे हैं. फिटिंग देखिए, इस वक्त फ्लाइंग स्लिप, एक सेटमैन, एक पॉइंट, एक कवर, एक लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है. हर बार देखिए स्ट्राइक गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए आते हैं चौधरी रमजान चौधरी. स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज अभिजीत देशमुख. राइट अप ओवर द विकेट. बढ़िया गेंद, अच्छी गेंदबाजी. इस बार टप्पा खाने के बाद एक बार फिर देखिए, उछाल तो ज्यादा नहीं था, ऑफ स्टंप के ऊपर से गेंद पीछे जाती भी. अत्यंत सुंदर चेंडू. आता बघा या बेला फलंदाज थोडा ऑफ स्टंपच्या बाहेर जातोय, शफल होतोय, थोडासा खाली बागतोय, मात्र लेंथ आणि लाईन अप्रतिम माहिती रमजानची. अत्यंत सुंदर चेंडू टाकतोय, बरोबर उजव्या इष्टवरून चेंडू थोडासा मागे जातोय, यष्टीरक्षक दादांच्या हातामध्ये विसावतोय. धाव घेण्याचा कोणत्या प्रकारचा प्रश्न नाही, चेंडू निर्धाव जातोय. बिंदी गेंद के साथ सुरुवात होते.
So very good start from Ramjan, just pitching on open middle stump line. Batsman shuffling on out of the off stump. We are looking for the big shot toward this way. Square leg region, beating completely, and they can be no run. शुरुआत देखिए जीरो के साथ होती है, मतलब जीरो से ही हीरो निकलने वाला है गेंदबाजी करने के लिए. गेंदबाज रमजान तैयार. राइट आर्म ओवर द विकेट. द सनातन वेरी गुड डिलीवरी. अच्छी गेंदबाजी. इनके पास वो एफर्ट है, इनके पास वो कला है, वो दिखते वो गेंदबाज है. सबसे बड़ी बात उनको आपको दिखना चाहिए. पहले कहते ना जो दिखता है वही बिकता है, उसी तरह से इस वक्त वो दिखना चाहिए. बॉडी लैंग्वेज बल्लेबाज है तो आपको बल्लेबाज के तौर पर वो बॉडी लैंग्वेज दिखनी चाहिए, वो इनके अंदर है. रमजान चौधरी पूरा एफर्ट लगा रहे हैं. अच्छी गेंद. पहली दो गेंदों की अगर बात करें तो बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं आया, मौका नहीं मिला. अच्छी गेंदबाजी करते हुए राइट टॉप ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज. ये गति परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं थी, गति परिवर्तन की आज बार छक्के के साथ स्वागत होता हुआ. शानदार शॉट बल्लेबाज का चिरनाथी पे. अभिजित देशमुख तीन चेंडू खेळलेत आणि सहा धावांवरती खेळतोय. अत्यंत जबरदस्त या वेळेला चेंडू तडकावला होता स्क्वेअर लेग पट्ट्यात, चेंडू सीमारेखाच्या बाहेर षटकार असा जातोय. शिवबाता छावा आणि याने सहा धावा. 78 धावांचा पाठलाग करताना आता स्थिती आहे ती बिनबाद सहा. हिंदुतेज आणि चॅलेंजर भिलवडीच्या दरम्यान सुरू असलेली लढत कुछ अलग करने का प्रयास किया था तो इसका फायदा जरूर मिला है बल्लेबाज को. नुकसान होता था गेंदबाज का. राइट आर्म ओवर द विकेट. ये गेंद थोड़ी लक्ष्य की तरफ जाती भी, अंपायर एक बार फिर हमारी तरफ पड़ रहे हैं. विशाल नाइक, विशाल नाइक यांचा विचार केला तर 1994 मध्ये विशाल नाइक यांचं सिलेक्शन झालं होतं अष्टपैलू खेळाडू म्हणून. 40 चेंडू या ठिकाणी त्यांना निश्चितच दिले होते टाकायला, परंतु शेवटी क्रिकेटमध्ये बरंच काही लागतं. टॅलेंट बरोबर आणखीन काही बऱ्याचशा गोष्टी लागतात. तिथे विशाल नाईक कमी पडले. ओ दॅट्स अ व्हेरी गुड डिलिव्हरी. अत्यंत सुंदर चेंडू आहे. ही ती दिशा आहे ती निश्चित फलंदाजाला थोडीशी भुजकाळ्यात पडणार आहे. अप्रतिम चेंडू होता, उजव्या स्टेजच्या बाहेरचा चेंडू होता आणि पॉइंटच्या डोक्यावरून खेळण्याचा प्रयत्न केला, मात्र चेंडू बॅटमध्ये येत नाहीये. रमजान कधी कधी एक्साइट होतो आणि मग चुकीच्या दिशेला जातो. लाईन लेट पण निर्भर आहे नक्की जरूरत. राईट टॉप ओवर द विकेट पंताच्या डब्यात कंड अंपायर त्यावेळेला फुलटा चेंडू होता, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू जातोय ऑन साईडला, तिथे क्षेत्ररक्षक आहे. अत्यंत चांगलं क्षेत्ररक्षण होतंय मिड विकेट पट्ट्यामध्ये. आपण बघतोय सौरभला अशा रीतीनं पहिल्या षटकात आतापर्यंत धावफलक पोहोचतोय तो 19 या धावसंख्येवरती. 78 धावांचा पाठला करताना आणि मला वाटतं पॉवर प्ले पहिला चालू आहे. पॉवर प्लेचा विचार केला तर 1989 मध्ये वेस्ट इंडिज आणि इंग्लंड यांच्यामध्ये दरम्यान झालेला एक सामना, त्याचं मी वर्णन केलंय. त्यानंतर 90 मध्ये एक नियम करण्यात आला, 1992 मध्ये तो अंमलात आला आणि त्यानंतर 1996 मध्ये खऱ्या अर्थानं पॉवर प्ले मध्ये फलंदाजी करायची कशी हे दाखवून दिलं होतं जयसूर्या आणि कलविंदरांनं. खऱ्या अर्थानं जर पॉवर प्लेच्या अगोदर आपल्याकडे पॉवर कुणी दाखवली होती एका बॅट्समनचं मी नाव निश्चित सांगेन. राईट आर्म ओवर द विकेट. ओ अत्यंत सुंदर चेंडू आहे. अप्रतिम गोलंदाजी के श्रीकांत, त्याला मला वाटतं पॉवर प्लेची काही गरज नसायची. तो कसंही असो म्हणजे त्याच्यावर असलेला पार्टनर त्याच्यासाठी त्याचा महिना महत्वाचा नव्हता, त्याचा खेळ त्याला महत्वाचा असा. म्हणजे या आपल्या आत्ताच्या दशकातला वीरेंद्र सेहवाग आणि त्यावेळेचा श्रीकांत या दोघांची बॅटिंग करण्याची स्टाईल जवळजवळ तसंच प्रकारची असायची. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावपळ करते, धाबा येते 8 आणि निश्चित रमजान चौधरीनं या षटकात अप्रतिम मारा केलाय, टिच्चून मारा केलाय, तिकट मारा केलाय. त्यामुळे जुरबात चान झाले, विकेट नाही मिळाला, मात्र एक खराब चेंडू होता, त्या खराब चेंडूवरती बॅट्समनने देखील खरपूस समाचार केलाय. त्यामुळे हे जे षटक आहे ते मला वाटतं 50-50 षटक आहे. सौरभ गोलंदाजी मार्क वरती येतोय. आपल्या कोटेत पहिलं षटक आहे आणि संघाचं दुसरं षटक आहे. अतिशय महत्वाचं षटक या ठिकाणी घेऊन येतोय. प्रवीण क्या कहेंगे, जिस तरह से पहले ओवर में 8 रन बने हैं और जिस तरह से स्टार्ट रमजान का हमने देखा, एक एक खराब गेंद थी, बाकी कमाल की गेंदबाजी की है. बिल्कुल कमाल की गेंदबाजी, लाइन और लेंथ पकड़ के गेंदबाजी की है रमजान ने पूरे टूर्नामेंट में किए. और आज एक बार फिर वही लाइन और लेंथ पकड़ के स्ट्राइक गेंदबाज है चैलेंजर्स के रमजान. अब सौरभ गेंदबाजी के लिए आते हुए उनके सामने अभिजीत, एक छक्का लगा चुके हैं अभिजीत. 7 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं अभिजीत देशमुख. सौरभ हो गए उनके सामने. अब पाव प्ले का आखिरी 6 गेंद है तो कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा गैप ढूंढे इस पाव प्ले में, क्योंकि दो खिलाड़ी है मात्र 30 yard सर्कल के बाहर बल्लेबाजों को रोकने के लिए. देखिए प्रवीण सुजबुत के बल्लेबाज है, शॉर्ट सिलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है. पिछले 3-4 दिनों में वही कह रहे हैं, एक बार फिर वो चर्चा होगी. राइट अप ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए
बढ़िया गेंद, खराब शॉट, गेंद को देखना बहुत जरूरी है, ये गेंद को नहीं देख रहे, अपना शॉट खेल रहे, बहुत सुंदर गेंदबाजी, टप्पा ऑफ टप के बाहर, ये इनकी कला है। जिस तरह से मैंने सौरभ को देखा एक लाइन पकड़ के, जैसे कि भुवनेश्वर गेंदबाजी करते एक लाइन लेन पर निर्भर रहते, उसी तरह से गेंदबाजी करते हैं और एफर्ट भी लगाते हैं। 7 ओवर के बाद 8 रन बने हैं, 78 रनों की जरूरत, बल्लेबाजों को सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। राइट अप और दो विकेट, यहां पे खेल दिया, खिलाड़ी तो है लेकिन क्या गेंदबाजी की तरफ जाएगी, 4 रनों के लिए जाएगी, ये अच्छा शॉट है, बहुत बढ़िया, मिलेगी रन 4 तो बेड़ा होगा पार, शुभा था छवा और याने 4 दावा। वेलकम बाउंड्री, बहुत महत्वपूर्ण यह चौका था, रन संख्या कुल मिलाकर 12 रन बगैर किसी नुकसान के, धाव संख्या चले 12, बिन बाद 12, ये अच्छा शॉट था बल्लेबाज का, बहुत ही बढ़िया तरीके से खेलते हुए अभिजीत देशमुख, आगे वाली गेंद थी, स्ट्रक कवर के ऊपर से इस गेंद को खेला था। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, बार सीधे बल्ले से कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, 4 रन मिलेंगे, शिवबात चवान आले 4 दबा, ब्यूटीफुल शॉट। खराबी नहीं है, बल्लेबाज जब सीधे बल्ले से खेलते शॉट सिलेक्शन अच्छा होता है तो ये फायदा होता है। अभिजीत देशमुख बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। राइट और दो विकेट, ये देखिए अब थोड़ा सा क्रैम्प होते हुए, अच्छी गेंद थी और थोड़ी लेग स्टंप की तरफ थी, लेकिन बल्लेबाज को हाथ खोलने के लिए एक बार फिर मौका था, इसका फायदा नहीं उठाया। पहले ओवर में 16 रन बनाए थे भिलवड़ी ने, अभी तक दूसरे ओवर में 16 रन बने हैं बगैर किसी नुकसान के हिंदुतेज वीटा के टीम के। ये मैच बहुत महत्वपूर्ण है दोनों टीमों के लिए। राइट और द विकेट, एक बार फिर अच्छी गेंद, तेजी के साथ गेंद बॉलिंग की तरफ जाते हैं, 4 रन मिलेंगे, 4 रन मिलते हुए इनको देखती है छोटी सी दरार तो ये ढूंढ दिया रन 4, गेंद बॉलिंग के बाद 4 रनों के लिए फरार। Very good batting by the batsman. बढ़िया क्रिकेट बीच मैदान पर, उनसे क्या अब 20 रन बगैर किसी नुकसान के गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सौरभ तैयार, ये अच्छा ओवर घटता हुआ बल्लेबाजों के लिए। राइट आर्म ऑफ द विकेट, ये उड़ाया तारा मंडल में कोई खिलाड़ी नहीं है, गेंद बॉलिंग के बाद 6 रनों के लिए जाते भी पंख लगा के भेज दिया सौरभ के ओवर में बल्लेबाज ने मेला लूटा, लूटो भाई लूटो, शिवबाज का छापा और याद है सादावा। देशमुख ऑन फायर, बहुत बढ़िया। अब यहां से भिलवड़ी को वापस आना है तो प्रवीण विकेट लेना बहुत जरूरी है, अगर विकेट नहीं लेंगे तो देशमुख ये मैच लेके जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा ओवर खास करके बल्लेबाजों के लिए। रन संख्या 26 और अब पूरा दबाव जाएगा एक बार फिर गेंदबाजों की तरफ। सैंडी को मौका मिला है, तीसरा ओवर डालेंगे। हिम्मत और सैंडी के जो दो दो ऊपर है बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें देखिए आपको विकेट लेने होंगे, विकेट नहीं लेंगे तो एक बार फिर परेशानियां बढ़ने वाली है। अब गेंदबाजी के लिए संदीप आते हुए उनके सामने अब बल्लेबाज हो गए सचिन। और देखिए बड़े मैच के प्लेयर है अभिजीत की अगर बात की जाए तो, क्योंकि अब तक इस पूरे श्रृंखला में बात की जाए तो एक या दो ही चौके लगे होंगे और आज एलिमिनेटर मुकाबले में शानदार पारी खेल रहे हैं। बिल्कुल इनकी वजह भी है, एक बार फिर बात करेंगे। ये शॉट इस तरह से खेलने की कोई जरूरत नहीं है, यहां एक बार फिर खतरे की घंटी बज रही है। डीप स्विप खेलने का प्रयास, देखिए आज बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने प्रवीण बल्ले जो फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी की, ये जो बल्लेबाज, अब देखिए रिवर्स स्विप खेलने की क्या जरूरत थी, एक बार फिर वही सवाल है जैसे कि कहते हैं ना कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा,
उसी तरह से इस बार क्या रिवर्सशिप खेलने की जरूरत है, एक एंड पर जब अच्छी बल्लेबाजी हो रही है तो आपको सिंगल लेके दूसरी एंड पर जाना है, लेकिन तरीका ये नहीं है कि आप जा चौके के लिए जा रहे थे सिंगल के लिए जा रहे थे, उनको ही मालूम, लेकिन ये खराब शॉट था। सबसे अच्छी बात के भाग्य का साथ मिला, सिंगल मिला और देशमुख एक बार फिर स्ट्राइक एंड पर जा रहे हैं। सटी की गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल इस टूर्नामेंट में बहुत ही शानदार गेंदबाजी की अब तक सैंडी ने। अगली गेंद और इस बार हवा में काफी ऊपर गई है गेंद, दो खिलाड़ी है लेकिन प्रयास बहुत शानदार था, या शानदार प्रयास किया था सौरभ ने, लेकिन दो रन नहीं रोक पाएंगे। अपील हो रही है लेकिन अंपायर का मानना है कि पहुंच गए वहां पर, दीपक दादा शानदार अपील करते हुए, लेकिन अंपायर सचिन सांगेकर सर कहते हुए कि पहुंच गए वहां पर, दो रन मिलते हुए शानदार स्ट्रोक था, फील्डिंग में एफर्ट बहुत बढ़िया था, पकड़ नहीं पाए सौरभ वहां पर, बिल्कुल कमिटमेंट की कोई कमी नहीं है, बहुत दूर भागना था, लगभग ये मिड ऑफ का जो खिलाड़ी रहता है, खास करके मिड ऑन का खिलाड़ी सर्कल के अंदर, वहां गेंद थी, खिलाड़ी लॉग ऑन पे थे, यहां से यहां तक आना बहुत आसान नहीं था, प्रयास अच्छा किया, उनको मालूम है विकेट चाहिए तो इसीलिए वो एफर्ट लगा रहे, दादा ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया था, लेकिन एक बार फिर विकेट के बीच अच्छे दर लगाते फिर रन संख्या 29 रन, सैंडी का ओवर अच्छा साबित हो रहा है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, यहाँ कुछ हो रहा है, होगा या तो रन बनेंगे या एक बार फिर कुछ अलग होने की कोशिश, अलग जरूर हो सकता है, देखिए इस तरह का ये ओवर है, यहाँ पे गेंद एक बार फिर बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी है, सुंदर गेंदबाजी कर रहे हैं, रन संख्या 30 रन, जीतने के लिए 78 रनों की जरूरत है, दबाव गेंदबाजों के ऊपर है, पूरा दबाव है, लेकिन सैंडी के पास जो कला है, इसका एक कला है, जिस तरह से वो लेग ब्रेक करते हैं, टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ जाती है, कांटा बदलती है, लहराती है, वो परेशान कर सकती है बल्लेबाज को, अच्छा अगर पिक करेंगे तो कोई परेशानी नहीं है, खास करके ये बल्लेबाज, ओ इस बार टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाती भी गेंद और अंदर से बाहर गई है, तो एक बार फिर विकेट कीपर के दफ्तर में जाते भी, ये हरकत करते हैं, इनके पास वो क्षमता स्विंग करते हैं या आप इसको स्पिन किए, लेकिन यह बहुत अच्छी तरह से नेचुरली करते हैं सब कुछ। 30 रन बगैर किसी नुकसान के पहले विकेट के लिए बहुत ही अच्छी साझेदारी पनपती भी, लेफ्ट आर्म और दो विकेट, ये देखिए एक बार फिर ये स्ट्रगल कर रहे हैं, देशमुख साहब बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी एंड पर जो बल्लेबाज है सचिन, इनका नाम तो सचिन है लेकिन नाम सचिन होने से कुछ नहीं होता, रन संख्या 30 रन बगैर किसी नुकसान के, गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर गेंदबाज तैयार, क्योंकि काम से नाम बनता है जो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान ने बनाया, लेफ्ट आर्म और दो विकेट, हवा में गेंद है, खिलाड़ी मौजूद है, मैंने पहले कहा था कि यहाँ कुछ ना कुछ होने वाला है, और रमजान चौधरी ने एक आसान कैच को कठिन बनाया, इनसे सीखे कोई आसान कैच को कैसे कठिन बना जाता है, ये लड्डू था, शादी का समय नहीं है, लड्डू बांटने का समय नहीं था, ये कैच बन सकता था, गेंदबाजी कमाल की थी, बहुत बढ़िया कमाल की गेंदबाजी, यहाँ एक विकेट होना चाहिए था, डब्लू मिल सकता था, बब्लू कुछ हो सकता था, लेकिन अगर मगर से क्रिकेट नहीं हो सकती, 31 रन बगैर किसी नुकसान के, एक बार फिर शानदार क्रिकेट बीच मैदान पर चलते हुए, तबस वर्णा ने उजड़े लपाट पुनः होने नाही हिंदू हृदय सम्राट, वेलकम बैक, एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है, 31 रन बगैर किसी नुकसान के, टारगेट की तरफ जाएंगे, 78 चाहिए थे, अब यहां से गेंदे कितनी बची है, 30 गेंदे और 37, अभी भी मैच बन सकता है, ऐसा नहीं कि मैच नहीं बनेगा, लेकिन वही सोच होनी चाहिए जो पिछले मैच में प्रवीण, फील्डिंग बहुत ही बढ़िया रही थी, शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया था भिलवड़ी की टीम ने, तो ये देखते हुए यहां एक बहुत बड़ी गलती रमजान ने, पिछले मैच में कमाल की फील्डिंग रमजान ने की थी, इसी मैच में वो खराब फील्डिंग भी कर सकते, ये भी इन्होंने दिखाया, बिल्कुल आसान सा कैच था वो, लेकिन छोड़ दिया वहां पर रमजान ने, और उस वक्त छोड़ दिया जब विकेट की जरूरत है, सख्त विकेट चाहिए, एक साझेदारी देखिए बहुत खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रही है, उसी वक्त इन्होंने कैच छोड़ा है, बिल्कुल कैच छोड़ दिया रमजान ने, अब हो गया, अब यहां से अच्छा प्रदर्शन करना होगा रमजान को और चैलेंजर्स को, वापस आना होगा गेम में, अब हर्षल गिप ने भी जो कि स्टीववा का कैच छोड़ा था, उस वक्त स्टीववा ने हर्षल गिप को पास बुलाया, बोले आपने कैच नहीं मैच ने वर्ल्ड कप छोड़ा है, तो ये इनके लिए वर्ल्ड कप है, यहां तक क्वार्टर फाइनल तक अगर भिलवड़ी की बात करें वो क्वार्टर फाइनल तक आते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ते, तो एक बार फिर इतिहास बनाने का मौका, एक तरफ तारीफ करेंगे देशमुख साहब की बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, और दूसरी एंड पर सचिन जो है थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, अच्छा ओवर समाप्त हुआ एक इस ओवर में, जो कि बहुत सारी चीजें आई, दो बार गेंद जो कि हवा में चली गई थी,
अब गेंदबाजी करने के लिए दादा आए हैं। नाउ स्कोर 31 फॉर नोरास। पहले विकेट के लिए बहुत ही अच्छी साझेदारी है। पाकिस्तान के बल्लेबाजों के नाम ये कीर्तिमान है जिन्होंने 304 रनों का एक बहुत बड़ा कीर्तिमान बनाया था। फखर जमान एक बहुत बड़े खिलाड़ी जिन्होंने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। तो यहां देखिए 31 रन बगैर किसी नुकसान के, एक आसान कैच था और ये कैच एक बार फिर मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस मैच का। खास करके एक बार फिर हिंदुतेज की टीम इस मैच में वापस आती है। बढ़िया प्रदर्शन अभी तक रहा है हिंदुतेज का। दादा गेंदबाजी करेंगे। ओ हवा में गेंद, एक बार फिर हवा में गेंद थी। एक रन मिलता भाई से, एक रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई। बढ़िया एक एंड पर सचिन स्ट्रगल कर रहे हैं। एक एंड पर बल्लेबाज के देशमुख साहब की अगर बात करें, एफर्टलेस बल्लेबाजी जिसे मक्खन बल्लेबाजी कहते हैं, मक्खन बल्लेबाजी कर रहे हैं, वही परेशानी है। एक एंड पर क्रिकेट आसान है, एक एंड पर क्रिकेट कठिन है। देखिए दादा की बात की जाए, देखिए टीम के लिए कितना काम कर रहे हैं। पैर में थोड़ी सी चोट है उसके बावजूद रनअप, देखिए आप लंगड़ाते हुए रनअप कर रहे हैं उसके बावजूद गेंद डाल रहे हैं, अच्छी बात है चैलेंजर्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे खिलाड़ी है जो क्रिकेट को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। क्रिकेट इनके लिए बहुत बड़ी जिंदगी बन गई है। जिस तरह से कहते हैं कि हमारे भारत के लिए क्रिकेट की अगर बात करते हो तो धर्म है, तो इसी तरह से ये क्रिकेट को नहीं छोड़ेंगे। पिछले साल मुझे मालूम है जब जो टूर्नामेंट हुआ था वावरे की बात आप ही कमेंट्री कर रहे थे और वो पीछे से आए और उसके बाद में उनके जो खास करके शूज थे उनको लगे हैं और उसके बाद में परेशानी हुई। लेकिन फिर भी थोड़ा क्रैम भी, आज बोले कि क्रैम भी है, लेकिन अपने टीम के लिए वो लड़ेंगे। लेफ्ट हैंडर चल रहे इसलिए लेफ्ट हैंडर को मौका मिला, नहीं तो हिम्मत को वो गेंदबाजी दे सकते थे। लेकिन इन्होंने एक खुद गेंदबाजी की है, वो लड़ने वाले खिलाड़ी है क्रिकेट की परिभाषा को अच्छी तरह से जानते हुए। यहाँ बल्लेबाजों को भी लड़ना होगा बगैर किसी नुकसान के। ये बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज के साथ दौड़ना शुरू किया। यहां पे खेल दिया, खिलाड़ी मौजूद है लेकिन वो बन गया दर्शक। नहीं इस बार कैच, इस बार देखिए कोई जो कि इस बार मुश्किल वाला कैच लग रहा था लेकिन आसान बनाया। शानदार कैच यहां सौरभ द्वारा, पहले विकेट का बदल। इसलिए दादा खुद गेंदबाजी करने के लिए आए क्योंकि इन्होंने देखा कि सैंडी के खिलाफ बल्लेबाज आराम से बल्लेबाजी नहीं कर रहे, इसलिए एक बार फिर ओवर द विकेट लेग ब्रेक करने के लिए आए थे। लेकिन ये फुल टॉस गेंद थी, लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलने का प्रयास किया था। सीधी गेंद सौरभ के हाथ में जाते हुए लग रहा था ये ऊपर से जाएगी, लेकिन बहुत अच्छा कैच अपने ऊंचे कद का फायदा उठाते हुए अच्छा कैच लगा। 32 रन एक विकेट के नुकसान पर, एक साझेदारी को तोड़ा है दादा ने। दो गेंदों की अगर बात करें तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, दो गेंदों में एक रन एक सफलता मिली है, चार गेंदों का खेल शेष है। पिछले मैच के हीरो संजय कदम तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए। दो गेंदें मतलब अभी भी तीन गेंदों का खेल शेष है। पहली गेंद पर जो कि एक बार फिर देखे तो सिंगल आया था, उसके बाद में बिंदी गिर और उसके बाद में ये डब्लू आया है, विकेट मिलता हुआ। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। ओ बढ़िया गेंदबाजी, तारीफ करने के टप्पा खाने के बाद नीचे रही है, शानदार गेंदबाजी। कहते हैं ना कि उम्र बचपन की और दीर बचपन का, युवाओं को बता रहे कि किस तरह से प्रदर्शन करना है, किस तरह से लड़ना है। ये कमाल के खिलाड़ी है। एक तरफ बल्लेबाज सचिन स्ट्रगल कर रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए, एक बार फिर गेंदबाज तैयार। ओ इस बार अच्छी गेंद लेकिन बल्ला लगा है जमीन पर, सुंदर गेंदबाजी एक बार फिर, बहुत अच्छी अंपायरिंग बीच मैदान पर विशाल नाइक और सचिन संगेकर द्वारा। 32 फॉर लॉस ऑफ वन विकेट, मैग्निफिसेंट बॉलिंग बाय दीपक दादा इस मैच में एक बार फिर जान डालते हुए। चौथा ओवर प्रगति पर है, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। ये खराब गेंद है, बहुत ही खराब गेंद और इस बार अपने बाजू को खोलने का मौका दिया, लेग स्टंप की तरफ गेंद थी। इतनी मेहनत करने के बाद मेरे हिसाब से अब ये मुकाबला बराबरी पर है। चार ओवर में स्कोर 38 था, चार ओवर में स्कोर 36 है, मतलब दो का मामला बना हुआ है, फासला है, हौसले की जरूरत है। हौसला होगा तो हौसला भी बन सकता है, बहुत सारी चीजें आने वाली है। आकाशात उडतो पक्ष्यांचा थवा आणि आज जर बघितलं तर इथे या मैदानात या परिसरात या तालुक्यात शिवसेनेची सभा। Oh,
थैंक यू डीजे, वेलकम बैक एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। 24 गेंदों का खेल से 42 रनों की जरूरत है। इस आंकड़े को आप उल्टा करके दीजिए, देखिए क्या होगा। 24 को आप उल्टा कीजिए तो क्या दिखेगा, 42 को आप उल्टा कीजिए क्या दिखेगा, वही आंकड़ा आएगा। ये आंकड़ों का खेल है, इस आंकड़ों के खेल में कौन आगे बढ़ता है देखने वाली बात है। बढ़ती का नाम जिंदगी है, कुछ भी कम नहीं होने वाला। पिछले दो मुकाबले बहुत शानदार हुए हैं, चार पांच दिनों का खेल देखिए तो कमाल का हुआ है। रोचक मुकाबले हुए हैं, रोमांचकारी मुकाबले हुए हैं, दिलचस्प मुकाबले हुए हैं। ये देखते हुए एक बार फिर एक अच्छा मुकाबला चल रहा है। सैंडी को मौका मिला है, संदीप मोटकटे गेंदबाजी करने के लिए आए। सामने बल्लेबाज एक बार फिर देखे संजय कदम है, जिन्होंने पिछले मैच में 33 रनों की एक शानदार पारी खेली थी, बहुत ही खूबसूरत पारी खेली थी। फील्डिंग देखे, फ्लाइंग स्लिप, गली, एक पॉइंट, एक खिलाड़ी इस वक्त देखे तो स्टक कवर पर है, एक लॉन्ग ऑफ है, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद, एक फाइन लेग। इस ओवर की पहली गेंद तेज कदम के साथ दौड़ना शुरू किया, लेफ्ट ऑफ ओवर द विकेट। इस बार हवा में शानदार शॉट, चार रन, भागने की जरूरत नहीं है। ये संजय कदम का जलवा है, वागाजी दार फोड़ना पार, चेंडू सीमाने का पार, चौका। एक तरफ अगर देखें तो हिंदू तेज के लिए एक ही फॉर्मूला है, क्रिक क्रिक क्रिकेट, डोंट थ्रो एवर विकेट, और एक तरफ विकेट की जरूरत है। मजा आता हुआ इस मैच में, 23 गेंदों का खेल से 23 गेंदों में जीतने के लिए अब यहां से और 38 रनों की जरूरत है। अच्छा स्टार्ट होता हुआ, गेंद में कोई खराबी नहीं थी, शॉट बहुत ही अच्छा था। अगर इस गेंद को क्रॉस बैट के साथ या आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास करते तो बात नहीं बनती। शॉट संजय कदम चौके के साथ शुरुआत करते हुए गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, लेफ्ट ऑफ ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे, तेज कदमों के साथ दौड़ना शुरू किया। ये पुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड पर खेलते हुए लेकिन मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आने का प्रयास। यहां खतरे की घंटी बज रही है, लेकिन दो रन मिलेंगे, बहुत बढ़िया। मिस विल अलाउ द बैट्समैन टू कम बैक फॉर सेकंड। 22 गेंदों का खेल से 36 रनों की जरूरत है। लो पुल टॉस गेंद थी, अच्छा खेले थे बल्लेबाज, बल्ले के बीचों बीच ऑन साइड पर मिड विकेट की तरफ ऑन ड्राइव किया था। दो गेंदों में 6 रन आए हैं। सैंडी गेंदबाजी करने के तैयार, संदीप मोटकटे गेंदबाजी करें, सामना करेंगे संजय कदम, लेफ्ट ऑफ ओवर द विकेट, ये गेंद अच्छी है लेकिन फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद। यहां एक बार फिर फाइन लेग के जो खिलाड़ी वो भी मिसफील कर रहे हैं। भिलवड़ी की पिछले जो मैच था उस मैच में सबसे बेहतरीन फील्डिंग की थी, और ये बता रहे आप खराब भी फील्डिंग कर सकते हैं, एक बार फिर ये थोड़ी खराब फील्डिंग हो रही है, बहुत ही खराब फील्डिंग। फाइन लेग पर एक आसान आराम से पकड़ सकते थे, इससे पहले जो कि चौधरी के पास गेंद चली गई थी वो भी एक आसान कैच था। कभी कभार क्या होता है आप कठिन बात को आसान बनाते हैं, कभी कभार क्या होता है कि आसान बात को आप कठिन बनाते हैं, वो भी एक बार फिर देख रहा फॉर्मूला भिलवड़ी का। आखिरी मुकाबला आज के दिन का, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, संदीप मोटकटे संजय कदम के लिए, लेफ्ट ऑफ ओवर द विकेट, और दैट्स अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर है तो वाइड बॉल का इशारा। अच्छी गेंद थी, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर जाके खेलने की कोशिश, गेंद विकेट कीपर के दस्तर में जाते भी। ऑफ साइड पर देखिए, ऑफ साइड पर देखिए, अब यहां देखिए फ्लाइंग स्लिप है, एक गली, एक पॉइंट, एक कवर, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ, ऑफ साइड पर अब पांच खिलाड़ी तैनात। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, सुंदर गेंदबाजी अभी तक मोटकटे द्वारा। 43 रन एक विकेट के नुकसान पर, 78 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए। और यह अच्छी है, इस बार देखिए गेंद जो कि बैट और पैड के बीच से, मतलब एक बार फिर विकेट कीपर के दस्तर में जाते भी, अंदर से जाएगी तो वाइड नहीं है, क्योंकि जब बाहर जाती है तो सबको लगता है ये वाइड कैसे दिया है, क्योंकि अगर लाइन है, लक्ष्मण रेखा है, तो लक्ष्मण रेखा के जो कि आपको अंदर जाना है बाहर जाना है यह भी देखा जाता है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, लेफ्ट ऑफ ओवर द विकेट, ऑन साइड पर खिलाड़ी मौजूद है बॉन्ड लाइन तरफ, और एक रन का इजाफा। अच्छी गेंदबाजी, बहुत सुंदर गेंदबाजी इस ओवर में, बात कर रखा है, एक अच्छा शॉट खेला था सीधे बल्ले से संजय कदम ने, उसके बाद में थोड़ी अग्नि परीक्षा हो रही है, बैटल है गेंद और बल्ले के बीच। इस वक्त अगर देखें तो संजय केंद्र अपने साथ के ऊपर, सचिन अब साथ के ऊपर खेल रहे, एक दूसरे का अच्छा साथ निभाना होगा तभी जाकर बात बनेगी। लेफ्ट ऑफ ओवर द विकेट, तेज कदम के साथ दौड़ना शुरू किया। Oh, that's another beautiful delivery. Very good delivery. Very good delivery from the bowler. Just pitching out of the stump. Batman looking for the big shot towards the mid-wicket region. Beating, beating completely. Ball going behind the wicket and they can be no run. 44 for loss of one wicket. Magnificent bowling by Sandeep Motkate. एक बार फिर देखे बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला, बीच मैदान पर 75 गेंदें बची अब यहां से, और 18 गेंदों में 34 रनों की जरूरत है। लग रहा पिछले वाला मुकाबला एक बार फिर कंटिन्यू हो रहा है, मजा आता है इस मैच में।
एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत है। हम देख रहे हैं आमदार चषक 2018-2019 गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ अब हिम्मत को मौका मिला है। जानी देव पहले ते संत जले, जानी बाले साहेब पहले ते भाग्यवंत जले। अठारह गेंदों का खेल से अठारह गेंदों में जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत है। हिम्मत गुरव गेंदबाजी करने के लिए आए। इस ओवर की पहली गेंद ऑन साइड पर अच्छा शॉट, 6 रन। संजय कदम का जलवा जारी, शिवमात छवाणी आने साधवा। Now remaining 17 deliveries and need 28 run to win this match. What a contest! बहुत ही खूबसूरती के साथ मुकाबला। What a match! एक अच्छा battle चलता हुआ। Every little thing count in crisis, संकट के समय में हर छोटी चीज मायने रखती है। तो इसी तरह से देखिए इस वक्त ये छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन छोटी बातें ही बड़ी बन जाती है। अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया। एक बार फिर ड्राइव किया गया तेजी के साथ, बॉटल की तरफ जाते भी खिलाड़ी मौजूद है। 4 रन। ये मैच अब यू टर्न लेता हुआ, बाउंस बैक करने का मौका। बाउंस हुई गेंद और इसी के साथ एक बार फिर बॉटल की तरफ जाते भी शिवपात छवाणी आला। 4 रन। थैंक यू डीजे मस्तकाला दस्तक देख चिंटू सीमा रेखा पार चौकार। 54 रन एक विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, राइट आर्म और द विकेट। ये बढ़िया गेंद है, गति परिवर्तन किया था, पहले गति थी तो इस वक्त गति नहीं है। अच्छी गेंद, ओहो बहुत बढ़िया गेंदबाजी। 54 रन एक विकेट के नुकसान पर। 15 गेंदों का खेल से 24 रनों की जरूरत है। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट हो रही है, लाजवाब क्रिकेट बीच मैदान पर। एक बार फिर देखिए मैच की तरफ रुख करते हैं। लड़ना होगा, जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, तो मैच बनाने के लिए लड़ने की जरूरत है, तभी जाकर वापस आएंगे। कामयाबी की दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। क्या अब ताकत गेंदबाज के पास है, देखना बहुत जरूरी है। संजय कमाल का जो कि क्रिकेट खेलते हुए अपनी टीम के लिए। 15 गेंदें बची है, राइट आउट ऑफ कदमों के साथ। ये फुल टॉस गेंद है, कोई खिलाड़ी नहीं है, यहाँ खिलाड़ी बनते हुआ दर्शक बन गए दीवाने। गेंद बाउंड्री के बाहर, एक बार फिर 4 रनों के जाते भी। आर पार की लड़ाई है, पहले पढ़ लिया उसके बाद में चल लिया। थैंक यू डीजे। 14 गेंदों का खेल से 20 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए। बढ़िया क्रिकेट बल्लेबाज द्वारा फुल टॉस गेंद थी, सही नसीहत देते हुए। ऑफ साइड पर देखिए, ऑफ साइड पर थर्डमैन, एक गली है, एक पॉइंट, एक कवर, एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद। ये बढ़िया गेंद सीधे बल्ले से खेलते हुए 1 रन। इस बार तो गेंद उड़ान लेने वाली नहीं है, इससे पहले गेंद उड़ान लिया था सौरभ के सर के ऊपर से और गेंद चौकी बाउंड्री लाइन की तरफ चले गए थे। इस बार बहुत अच्छी फील्डिंग। कभी कभार क्या होता है, भाग्य साथ नहीं देता, बल्लेबाजों का भाग्य साथ देता हुआ। 13 गेंदे और 19 रनों की जरूरत है, अभी भी बहुत बड़ा फासला बना हुआ है। यहां की गेंद बहुत महत्वपूर्ण है। 13 चुंडानी 19 धावन की आवश्यकता मैजिक न करता, राइट आर्म ओव्हर द विकेट। 55 डाब्या गोलंदाजी करते तो गोलंदाज यावेळी चांगला चुंड आहे, या चुंडूची प्रतीक्षा होती। एका बाजूला बघितलं तर निश्चितच जबरदस्त फलंदाजी संजय कदम करणार, आणि दुसऱ्या बाजूला सचिन अजूनही आपल्या फॉर्म करता झगडतोय, संघर्ष करतोय। संघर्ष जारी आहे बीच मैदान पर, संघर्ष का होना भी बहुत जरूरी है ना। संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान तब जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। गेंदे बचे 12 गेंदों में जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत है, बहुत कुछ आना बाकी है। शानदार मुकाबला बीच मैदान पर चलता हुआ। तबस मरणाने उधड़े लपाट, पुनः होने नाही हिंदू हृदय सम्राट। थैंक यू डीजे, वेलकम बैक। एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। बीच मैदान पर पानी जा रहा है, ये पानी देखे दादा भी पी रहे हैं, ये पानी अगर देखे तो बल्लेबाज की तरफ भी जा रहा है। लेकिन ये पानी है या डेन टॉनिक है, ये देखना बहुत जरूरी है। किसके लिए डेन टॉनिक साबित होगा, ये देखना बहुत जरूरी है। हम पानी भी पी रहे हैं, एक बोतल का कमाल देखिए,
पानी हमारे लिए जिंदगी है दोस्तों। हवा के बिना हम रह नहीं सकते, पानी के बिना हम जी नहीं सकते, और ऐसा आनंद बन गया है दोस्तों कि यॉर्कर के बिना हम बच नहीं सकते। इस बार देखिए कमाल की टूर्नामेंट है, 12 गेंद और 19 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए। गेंदबाजी करने के लिए दीपक दादा पाटिल, बल्लेबाजी करने का मौका संजय को मिलेगा। ये बैटल है, ये एक बार फिर क्रूशियल ओवर है, यही जो कि ओवर है ये बताएगा कि मैच किस तरफ जाएगा, ऊंट किस करवट पर बैठेगा, यही जो कि ओवर बताएगा। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, दादा अच्छी गेंद, अगर लेग बिफोर होता तो ये विकेट के सामने थे, दैट्स अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, लेकिन नहीं है, इस पर टूर्नामेंट में वो नियम रखा गया नहीं है। अच्छी गेंदबाजी दादा द्वारा, अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए 11 गेंदों में जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत है। ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी, तेज कदमों के साथ एक बार फिर दौड़ना शुरू किया। ये फुल टॉस गेंद है, खिलाड़ी मौजूद, दादा ने ले लिया और एक विकेट, सेलिब्रेशन मोमेंट, बड़ी मछली जाल में फंसी है, सेलिब्रेशन होता हुआ गाना भी आएगा, एक बार फिर ठोकर ताली बजाओ संगीत। गेंद में खराबी नहीं थी, शॉट में भी कोई खराबी नहीं थी, लेकिन लॉन्ग ऑन पर जो खिलाड़ी था वो सरदर्द का कारण बनता हुआ बल्लेबाज के लिए। संजय की एक अच्छी पारी समाप्त, बहुत ही बढ़िया खेले अपनी टीम के लिए, बहुत खूबसूरती के साथ खेले और अपनी टीम ले, एक टीम के लिए 22 रनों का योगदान दिया। अभिजीत ने 27, यहां अगर देखे तो एक एंड पर संजय ने बनाया 22, और गेंदबाजी कमाल की होती हुई 10 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत है। ये तुरुप का पत्ता है, दीपक दादा पाटिल की अगर बात करें तो रीड की हड्डी है, आएगा मजा। अब नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, सुशांत जो पिछले मैच के हीरो थे, इनको थोड़ा ऊपर भेजा है, प्रमोट किया है, शानदार बल्लेबाजी की थी। एक गेंद पर 5 रनों की जरूरत थी, एक गेंद पर 4 रनों की जरूरत थी, तब जाकर इन्होंने एक शानदार छक्का जड़ा था। छोटा पैंक बड़ा धमाका है, लेकिन अब पिछला मैच अलग है, ये मैच अलग है, और आज देखिए अभी समीकरण अलग है। जिंदगी एक मौका देती है, सरल शब्दों में उसे आज कहते हैं, मतलब आज करना होगा, अभी करना होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद को ऑन साइड पर खेला, सौरभ एक बार फिर भाग रहे हैं, सुंदर फील्डिंग। अब तो गेंद देखिए, इससे पहले बहुत जो कि ऊपर उठी थी गेंद, 3 गेंदों का खेल समाप्त, अब गेंदे बचे 9 गेंदों में जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत, अभी भी बहुत बड़ा फासला है। अंडर अडबर्ट कंडीशन सम पीपल ब्रेक डाउन एंड सम ब्रेक द रिकॉर्ड, विपरीत स्थिति में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड को तोड़ते हैं, मौका बहुत बड़ा है। अच्छा शॉट, भागने की जरूरत नहीं है, 4 रन, आर पार की लड़ाई है, खूबसूरत यार जो की चौकाता हुआ छुपा था जवान, या 4 दवा पिछले 3 मुकाबले पैसा वसूल हुए, ये भी एक बार फिर पैसा वसूल मुकाबला है, ज्यादा युवा है, ज्यादा जवान है कि तो कहेंगे रोमांटिक मुकाबला चल रहा है। ये अच्छी गेंद, लेकिन थोड़ी इलेक्शन की तरफ जाते भी, अब 8 गेंदों में जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत है। बल्लेबाज बीच मैदान पर सुशांत है, लेकिन सुशांत कभी शांत नहीं बैठते, बहुत खतरनाक है। एक तरफ बल्लेबाज ही करते हुए बल्लेबाज सचिन है, जिन्हें स्टार्ट अच्छा नहीं किया था, लेकिन ये जो शॉट था वो कमाल का शॉट था, सीधे बल्ले से बॉलर के सर के ऊपर से बहुत ही खूबसूरती के साथ, प्लेइंग द स्ट्रेट बैट ओवर द हेड ऑफ द बॉलर, नो चांस फॉर द लॉन्ग ऑफ एंड लॉन्ग ऑफ, दे लुकिंग एट द बॉल लाइक स्पेक्टेटर्स, दैट्स अ वेरी गुड शॉट, ब्यूटीफुल शॉट, फैंटास्टिक बैटिंग बाय सचिन। ये इस बार अच्छी गेंदबाजी दादा द्वारा, खराब शॉट, टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रहती थी, इस गेंद को भाप नहीं पाए बल्लेबाज, गेंद विकेट कीपर के दस्तर में, इसीलिए कहते हैं कि अच्छे लोग और अच्छी किताबें समझ में नहीं आती, उसको पढ़ना पड़ता है, तो गेंदों को पढ़ना बहुत जरूरी है, गेंदों को पिक करना बहुत जरूरी है। ऑफ साइड पर देखिए फ्लाइंग फ्लिक पॉइंट, एक कवर, एक एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी, दादा कमाल कर रहे हैं इस ओवर में, अच्छी गेंद एक बार फिर, और यहाँ क्या खतरा होगा देखने वाली बात है। तो इसी के साथ ये एक बार फिर सिंगल बनता हुआ सचिन रखेंगे स्ट्राइक, 6 गेंदें बची है, 6 गेंदों में जीतने के लिए यहाँ से 12 रनों की जरूरत, अर्धा डजन चेंडू है, 1 डजन धावांची आवश्यकता है, एक गाणे घेऊया मधुर संगीत नंतर परत येऊया, असा गेलोने असा लो
दस्तावेज है, ना पद बड़ा होता है ना कद बड़ा होता है, बड़ा वही होता है जो विपरीत स्थिति में आपके साथ खड़ा होता है। अब संकट मोचक की जरूरत है। भगवान हनुमान के 8 नेम है, उसमें से एक नाम है संकटमोचक। संकटमोचक की जरूरत है, हीरो बनने का मौका एक बार फिर मिलेगा। अब देखिए गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आए हैं हिम्मत और सामने बल्लेबाज सचिन। हिम्मत तो तैयार है लेकिन एक बार फिर फील्डिंग में तब्दीली करने की कोशिश। स्क्वायर लेग फाइन लेग ऑन साइड पर डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन, 4 खिलाड़ी है। हिम्मत एक कमाल के गेंदबाज है, सामने सचिन सेट हो चुके हैं, सेट बल्लेबाज है, नॉन स्ट्राइकर एंड पर पिछले मैच के हीरो है। एक बार फिर बैटल बनता हुआ, संघर्ष जारी है, कमाल का टूर्नामेंट, लाजवाब गेंदबाजी और अच्छी क्रिकेट। ऑफ्टम के बाहर हवा में खेल दिया, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, 4 रन, भागने की जरूरत नहीं है। What a shot that was, गेंद में खराबी नहीं थी, लेकिन सचिन का बल्ला बोल रहा है वहां गांधी धार बोलना पास चेटू सिमारे के पास चौका। थैंक यू डिजिट, 5 गेंदों का खेल से 8 रनों की जरूरत है। पहली गेंद बल्लेबाज की, दूसरी किसकी देखना बहुत जरूरी है। 5 गेंदे 8 रनों की जरूरत है, वाट बघून झाले, वाट लावायची वेळ आहे, 8 आणि कुणाची लागणार वाट। एक बार फिर बीच मैदान पर काठे की टक्कर चलती हुई, रोमांच बरकरार है। स्टार्ट अच्छा किया है, यह अच्छी गेंद है, बहुत खराब शॉट, पहले मेरिट के हिसाब से खेले उसके बाद में अपना शॉट खेले, लेकिन पहली गेंद जो कि बल्लेबाज की, दूसरी गेंदबाज की है, क्या पिक्चर चल रहा है। आज के दिन का पूरा पिक्चर अगर देखे तो सुपर डुपर है, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम है और पैसा वसूल मुकाबले हो रहे हैं। काटे की टक्कर चल रही है, बल्ले और गेंद के बीच का संघर्ष देखते हुए आखिरी सांस तक लड़ना चाहिए दोनों तर्फ से, या तो जीत मिलेगी या अनुभव। राइट आर्म ऑर्डर के तेज कदमों के साथ एक बार फिर बढ़िया गेंदबाजी, तारीफ करनी होगी, अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल कर रहे। सचिन ने एक अच्छा शॉट खेला था, उसके बाद में एक बार देखिए सिट्टियां बज रही है, तालियां बज रही है, बजेगी सिट्टी बजेगी ताली, हो हल्ला हो गल्ला, मैदान घुसता है सर पे उठता है तब खेल खेल का रहता है, जुनून बन जाता है। अब ये खेल देखिए जुनून बनता हुआ, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, 3 गेंदों का खेल से 3 गेंदों में जीतने के लिए अभी भी 8 रनों की जरूरत है। अब यहां से क्या कहानी, इस कहानी में कोई ट्विस्ट है देखना बहुत जरूरी है। अच्छी गेंदबाजी की, गेंदबाज सौरभ ने, सामने सचिन, खास करके हिम्मत ने गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया की है। ये भाई एक बार फिर देखिए भाई टपकाने के बाद उछाले थे गेंद, एक रन तो जरूर मिलेगा क्या दूसरे के लिए वापस आएंगे, देखना बहुत जरूरी है। एक के साथ संतुष्ट होते हुए पिछले मैच के हीरो बीच मैदान पर है, 2 गेंदे 7 रनों की जरूरत है, क्या मुकाबला चल रहा है। हर दिन आता है हर दिन जाता है, मैदान में वही हो जो सबका दिल चाहता है, बहुत बढ़िया क्रिकेट। और कहते ना कि प्रॉब्लम मनुष्य से बड़ा नहीं होता, मनुष्य उससे बड़ा करता है। एक बार फिर संघर्ष जारी है, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी, मजा आएगा। कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है दोनों तरफ से, समस्या का हल निकालना पड़ेगा, कौन हीरो कौन जीरो बनेगा। 2 गेंदे 7 रनों की जरूरत है, राइट आर्म ऑर्डर के तेज कदमों के साथ एक बार फिर दौड़ना शुरू किया, शानदार गेंद, व्हाट अ डिलीवरी दैट वाज ब्यूटीफुल। गेंद विकेट कीपर के दस्तान में जाती भी, एक गेंद और एक गेंद में जीतने के लिए अब 7 रनों की जरूरत है। अगर यहां छक्का लगाते हैं तो सुपर डुपर ओवर होगा, क्या एक बार फिर इतिहास बनाएंगे देखने वाली बात है। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, इतिहास के पन्ने इंतजार कर रहे हैं। एक बार फिर मैं दर्शकों को विनती कर रहा हूं, जोरदार तालियां होनी चाहिए इस मैच के लिए। और ये 6 रन, जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्या मुकाबला है, सुपर डुपर वाला मुकाबला, पैसा वसूल मुकाबला। और ये क्या पिक्चर है, समाप्त नहीं हो रहा है, शहरा से ऊपर सुपर डुपर, सुपर से ऊपर, क्या कहे, बहुत बढ़िया। कहते हैं ना रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है, ये तो सिर्फ टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इतनी अच्छी गेंदबाजी की थी, एक खराब गेंद डाली हिम्मत ने और उसके साथ ये सुपर डुपर वाला ओवर होगा। 200 रुपए का इनाम, एक बार फिर बल्लेबाज के लिए इनाम आता हुआ। शशिकांत क्या नाम है, रविराज पुजारी, 200 रुपए पारितोषिक है, हर बार आते हैं और मैच में जान डाल के जाते हैं। नाम है इनका, बल्लेबाज का नाम है सुशांत, वो कभी साथ नहीं बैठते। सुशांत जी आइए, 200 फॉर यू, पैसा वसूल बल्लेबाज है तो पैसा तो मिलेगा आपको, इनाम तो मिलेगा, लेकिन इसके बाद में आपका नाम भी होगा। चलिए आइए, नाम ऐसे नहीं होता, काम करने से होता है। तो पुजारी साहब थैंक यू वेरी मच हौसला बुलंद करने के लिए, लेकिन अब अंपायर बताएंगे, 3-3 नाम हमें देना बहुत जरूरी है।
विशाल जी बताइए क्या करना है इनको। मुकाबला टाई हुआ है सुपर डुपर ओवर और सुपर डुपर क्या मुकाबला निशिकांत। हर बार इस बल्लेबाज को सामने वाला हल्का आंकता है और ये सामने वाले को कभी हल्का नहीं आंकते और ये बड़ा शॉट खेलते हैं। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है, शातिर बल्लेबाज। लेकिन कहते हैं ना कि रेस समाप्त नहीं हुई है, तो दादा चलिए सब लोगों को लेकर इधर आइए और अब एक बार फिर ये पिक्चर जो है शुरू होने वाला है। इस देखिए मैदान पर, इस मैदान पर, गार्डी के मैदान पर सैराट से भी ऊपर वाला पिक्चर चल रहा है। सुपर डुपर क्या कहे इस पिक्चर को। एक गाना लेते हैं, गाने के बाद एक बार